Recording in progress. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
సంకీర్తన కి శ్రీ శ్రీ గౌనగారికి శ్రీల ప్రభుపాదికి సమావేత భక్త వృందకి శ్రీమద్భాగవతంకి ఓం అజ్ఞానతమిరంధస్యనందన శలాకయ చక్షుర్మీలితం హేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదారి స్వగోదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణరఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనాసఖితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదా సహగణలలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ. నమామి విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్యదేశతారిణే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ సబ్కో స్వాగతం. అప్పుడు మాల్ సిలబస్ దిగుతాం అప్పుడు దిగుతామా. హరే కృష్ణ. సో లగ్భగ జ్యాదా టాపిక్ పూరా హో గయా. లాస్ట్ మే పిచ్చలే బార్ హమ్నే చౌథా టాపిక్ కి థి పర్ఫార్మింగ్ డ్యూటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ విత్ డిటాచ్మెంట్. ఆజ్ హమ్ లోగ్ ఆగే బడేంగే పాంచవా టాపిక్ మే వాక్ యువర్ టాక్ ప్యూరిటీ వర్సెస్ హిపోక్రసీ. బహుత్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ హా. థోడా నోట్స్ నికాల్తా హూ ఆప్ దేఖ్ సక్తే హై. देखिए सर्वप्रथम इधर इसके बारे में पहले में मैंने बताया आपको. यदि कृष्ण भावना भावित कोई नेता हो उसको भागवत में बताया गया है 1741 वो तात्पर्य में उसको चार चीज को छोड़ना चाहिए. उसको जो अवैध संग, मांसाहार, नशा और द्योत क्रीड़ा, ये चार चीज उसको छोड़ देना चाहिए. क्योंकि वो पाप का पाप कृति है. उस पाप कृतियों से उसका चरित्र दूषित हो जाएगा. उसको छोड़ना चाहिए वो बताया है. और आगे नीचे प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं, अगर एक ब्राह्मण झूठ बोलता हो, अगर कोई सन्यासी किसी स्त्री के साथ अवैध संघ हो सन्यासी का, और राजा नहीं तो कोई भी सामाजिक नेता भी क्यों न हो, अगर वो अहंकारी व्यक्ति हो, शराब पीता हो, धूम्रपान करता हो, नहीं तो एक स्त्री अगर वो पतिव्रता नहीं हो, वो परपुरुषों के साथ संबंध रखती हो, ये चारों लोग चरित्रहीन लोग हैं. और ऐसे बताया गया इधर समाज के जो सन्यासी ब्राह्मण राजा नेता इत्यादि, उनको सर्वप्रथम चरित्र के कसौटी पर देख उनको लक्षण देखना चाहिए. उसके बाद
उनके बाकी योग्यताएं देख सकते हैं। अभी एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे कि अमेरिका में कोई कोई प्रोफेसर है, वो सिगरेट भी फूंक रहा है और हाथ में चाकूस लेकर बोर्ड में भी लिख रहा है। तो अमेरिकी दृष्टिकोण से देखा जाए, वो लोगों का बोलना है कि देखो ये विषय जानता है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स गणित अच्छा सिखाता है, सिगरेट फूंकते हुए सिखाना चाहता तो क्या प्रॉब्लम, छोड़ दो, वो उसका पर्सनल प्राइवेट लाइफ है सिगरेट फूंकना, और हमको गणित सीख रहा है, सिखा रहा है, हम सीख सकते हैं, ये अमेरिकी गणना है, अमेरिकी दृष्टिकोण। भारत में क्या बताया गया है, अगर कोई अध्यापक हो पहले उनको चरित्र होना चाहिए ठीक, चरित्र ठीक नहीं है तो वो गणित भी सिखाने के लिए वो योग्य नहीं है, ऐसे बताया, कुछ भी सिखा नहीं सकता दूसरों को। तो एक हाथ में सिगरेट फूंक रहा, दूसरे हाथ में चाकपीस उठा कर सिखा रहा है, ऐसा कैसे सिखा जा सकता है चरित्र के बिना। देखिए हमारे भारत का संस्कृति ऐसा है, गुरुकुल में जाने वाले बच्चे जो होते हैं, आजकल भी गाँव में देखेंगे उनके गुरुजी शास्त्र नहीं जानता भी हो, गणित सिखाने वाला हो, फिर भी बच्चे स्कूल में जाकर गुरु को नमन करते हैं, उनके पांव छूते हैं। ऐसे पांव छूने वाले बच्चे को अगर कोई गणित का टीचर बोलता है ये 2 रुपया लो मुझे एक सिगरेट पैकेट लेके आओ, ऐसे बोलेगा तो बच्चे को बहुत चक्कर आ जाता है, अरे ये तो हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी को शुद्ध चरित्र होना चाहिए, वो सिगरेट फूंक रहे हो, अपने आप को मार रहे हैं, तो बच्चों को बच्चे द्वंद्व में पड़ जाते हैं ऐसे गुरुओं की बात सुनकर। ऐसे नहीं तो कभी कभी आजकल में स्कूलों में देखा जाता है कोई टीचर है फिजिक्स सिखाता है, गणित सिखाता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री कुछ सिखाता है, लेकिन क्लास में कोई 10वीं कक्षा में कोई लड़की खूबसूरत लड़की है उसको बार बार अपने पास बुलाता है, उसको चापलूसी करता है, तो बाकी विद्यार्थी समझ लेते हैं कि ये प्रोफेसर जो है इसको स्त्रियों के साथ कमजोरी है इसका, ये खूबसूरत लड़की है इसलिए बार बार उससे बातचीत करना चाहता है, स्टाफ रूम में बुलाता है, उसको मिठाई खिलाता है, कुछ भेंट देता है, तो ये टीचर जो है ये प्रोफेसर इसका स्त्रियों से कमजोरी है पता चल जाता है विद्यार्थियों को, सब लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे उसकी, तो उसको आदर नहीं दे पाएंगे वो लोग ऐसे। तो इस तरह अलग अलग लोग उनके पास अलग कमजोरी हो सकता है। ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसे बताते हैं, सन्यासी अवैध संघ से दूर रहना चाहिए, और राजा कोई भी नेता को गर्वी नहीं होना चाहिए, शराब धूम्रपान इत्यादि को छोड़ देना चाहिए, दारू धूम्रपान इत्यादि, और स्त्री को पतिव्रता होनी चाहिए ऐसे बताते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अहमदाबाद में जब प्रभुपाद जी थे एक दिन जिधर वो ठहरे थे उधर से देखा उन्होंने सड़क में दूसरी ओर एक व्यक्ति हाथ गाड़ी के साथ खड़ा था, और उसकी बीबी जो थी वो नीचे कुछ भज्जी पकौड़ा सब बना रही थी, वो बनाकर उसको देती थी, वो हाथ गाड़ी में रखता था, वो बेचता था उसको, उसी हाथ गाड़ी में अपने बच्चे को भी बिठा दिया, वो उनके एक छोटा बच्चा भी था। तो प्रभुपाद जी देख रहे थे कि वो जो पुरुष है उसका चेहरा थोड़ा जन्म से उसका खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है, साथ साथ उसके ऐसा कुछ चेहरे में कुछ कमी था, कुछ प्रॉब्लम था उसका, कुछ लोग ऐसे होता है ना दांत बाहर दिखता है ऐसे, उसका ठीक नहीं था चेहरा उसका। फिर भी प्रभुपाद बोले कि उसकी पत्नी खूबसूरत थी, उसने मान लिया कि मेरे माता पिता ने इसके साथ मुझे विवाहित किया है, ये आजीवन मेरे अंतिम सांस तक ये मेरे लिए स्वामी है, इसकी सेवा करनी चाहिए। इस तरह सोचकर वो पत्नी पकौड़ा भज्जी बनाकर दे रही है वो, और ये बेच रहा है पैसा बना रहे हैं, तो शांत परिवार है वो, पति पत्नी बच्चे शांति। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये भारत है इस तरह, स्त्री होती है अगर पति धनी हो तो गरीब हो, खूबसूरत हो बदसूरत हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, बड़े बुद्धिमान हो तो बुद्धू भी हो, कुछ भी हो
स्त्री सोचेगी कि मेरा पति है तो तो है मेरा पति है, माता पिता ने दिया है, ये भगवान का भेंट है मेरे लिए, तो ऐसे पति को वो आदर देती है ऐसे, और ऐसे पति को त्याग कर उसको डाइवर्स करके किसी और की विवाह करने की योजना का पत्नी कभी भी पत्नी नहीं करेगी वो। ऐसे इसी तरह एक राजा हो नेता हो उसको गर्व नहीं होना चाहिए बताया गया है, और वो शराब नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं लेना चाहिए। अगर गर्वित भी है नशा भी लेता है और भी गर्वित हो जाता है, तो ऐसे धाम्बिक राजाओं को दुनिया ने देखा है सर्वनाश होते हुए, चाहे आप कार्तवीर्य अर्जुन कहिए, रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, ऐसे अनेक राजा लोग आकर गए हैं दुनिया में। लेकिन अगर कोई नेता इस तरह गर्वित हो जाता है, गर्व के वश में आकर बहुत अहंकारी पुरुष होता है, तो लोग उसे डरेंगे लेकिन कोई आदर नहीं देंगे उसको, लोग उसके निकट नहीं आएंगे, सोचेंगे कि ठीक है ये हो सकता है कि बड़ा व्यक्ति लेकिन इसके अंदर नम्रता नहीं है। जो पेड़ में फल होते हैं वो झुकते हैं, जो पेड़ में फल नहीं है वो ऐसे अशोक अशोक का पेड़ जैसे खड़े रहते हैं। और सन्यासी जो होता है उसके साथ स्त्री के साथ कुछ संबंध नहीं होना चाहिए उसकी, वो बड़ा खतरनाक। तो क्योंकि जैसे एक बार चंद्रमा की चरित्र में कोई भी लेश मात्र भी त्रुटि नहीं देख सकते हैं। एक बार ऐसे हुआ चंद्रमा जगन्नाथपुरी में थे, एक छोटा सुंदर बालक था घुंघराले बालों के साथ, एक बालक आया तो महाप्रभु को उनको देखते ही उनको कृष्ण का स्मरण आ गया, उसको बच्चे को देखकर तुरंत महाप्रभु ने उनको आलिंगन की और उसकी विधवा माँ थी उस बच्चे की, वो दरवाजे के निकट खड़ी रहती थी वो। तब दामोदर पंडित ने देखा उसको, महाप्रभु को बोला महाप्रभु देखिए इस बच्चा जो है लड़का आता है आपके पास रोज आता है मिलने के लिए आपको, आप प्रेम देते हो और आपके प्रेम से प्रभावित होकर वो चाहे बच्चा बार बार आता है इधर आपको मिलने के लिए, लेकिन एक बड़ा समस्या है। क्या है? वो उसकी माता खड़ी है उधर, लोग आपके बारे में बुरा भला बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि आप बच्चे को जान दे रहे हो ताकि माँ के साथ आपका कुछ संबंध जुड़ सकता है, तो ऐसे लोग सोचेंगे। आप लोग ऐसा है क्या? ठीक है दामोदर पंडित, ये बच्चे को कल से आने मत दो, से नकार महाप्रभु ने बोल दिया ऐसे उनको। तो इसलिए सन्यासी के लिए महाप्रभु ने ऐसे एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, तो बोले कि हमको सन्यासी जो होते हैं उनको किसी स्त्री के साथ जुड़कर कुछ नहीं होना चाहिए। कभी कभी कोई सन्यासी गुरु बन जाते हैं तब उनको शिष्याएं होती हैं, फिर भी कोई भी गुरु अपने शिष्या के साथ अकेले कमरे में बात नहीं करेंगे, कोई और एक पुरुष होनी चाहिए ताकि उनके चरित्र के संबंध में कोई त्रुटि न देखे और शुद्ध भी रहना चाहिए। तो इस तरह स्त्री राजा कोई भी नेता सन्यासी इनके बारे में वर्णन है। और ब्राह्मण जो होता है वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर झूठ बोलने वाला ब्राह्मण हो तो उसके आशीर्वाद में कुछ शक्ति नहीं रहेगा उसका। तो इस तरह उदाहरण दिया है प्रभुपाद बताते हैं ड्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस लीडर। ठीक है फिर आगे जाकर मैं कुछ उदाहरण दिया हूँ इधर। हम इसके बारे में सुनेंगे अभी टॉपिक में। हाँ अद्वैत कृपा प्रभु आई हैव शोन वन पास्ट टाइम हियर गोपीनाथ पटनायक, यू नो दिस पास्ट टाइम? यू नो दिस? You ask whether anybody knows this. I want them to narrate.
हरे कृष्णा, कोई भक्त ये गोपीनाथ पटनायक के जो आई हैव गिवन लीला है। ब्रीफली आई हैव गिवन वन पैरा हियर बट समबडी हैज टू एलैबोरेट इट। हरे कृष्णा, कोई भक्त वॉलंटियर करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर पास्ट टाइम को एलैबोरेट करने के लिए? द पर्सन हु नोज इट वेल दिस पास्ट टाइम, इससे इधर जो भी दिया है उसको थोड़ा एलैबोरेट करके बोलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट टाइम लीला है आज के लिए, आज के सत्र के लिए। हाँ, कोई भक्त वॉलंटियर करना चाहेंगे ये पास टाइम के लिए जिसमें गोपीनाथ पटनायक को चांगा के ऊपर में डाला जा रहा था? कृपया हैंड रेज कीजिए या वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए। आई थिंक दीनदयाल कृष्ण प्रभु नोस, आई थिंक आस्क। दीनदयाल कृष्ण प्रभु, आप बोलना चाहेंगे? No, the sound is not coming. There's some problem. नहीं प्रिय, हाँ प्रिय, उनका अभी वीडियो ऑडियो ऑफ है वैसे। कोई okay, अन्य भक्त कुछ इस पास्ट? No one knows it a little bit in detail. You know it in detail, Advait Prabhu? Yes, Prabhuji, I know it to some extent, but yeah. You can tell. You tell. Okay, Prabhuji. You tell. तो yeah. तो यह चैतन्य लीला में आती है जिसमें गोपीनाथ पटनायक जो है, जो भवानंद राय के पुत्र थे, वो सरकारी सेवा में नियुक्त थे, परंतु उन्होंने अपने निजी चीज़ों के लिए उन्होंने कुछ सरकारी पैसे से अपना इस्तेमाल कर लिया अपने कुछ अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। अब जैसे ही इसकी ज्ञान पड़ी महाराज प्रताप रुद्र, जब इसकी ज्ञान जो है, पहले तो महाराज प्रताप रुद्र को पड़ी, तो महाराज प्रताप रुद्र ने बोला अपने पुत्र को कि ठीक है, तुम जो है इसके बारे इस ये इसके लिए ये जो धन है किसी तरह से गोपीनाथ पटनायक से ले लेना। परंतु जब इसके इनके जो बेटे थे जिनको इन्होंने भेजा था लेने के लिए, उनको एक एक इडियोसिंक्रेसी थी, मतलब एक उनका एक हैबिट था कि वह ऐसे करके सर ऐसा टेढ़ा करते थे, ऐसे ऐसे करके टेढ़ा करते थे। तो जब वो लेने गए इनसे कि भाई हमें जो है ये जो लगान के जो लक्ष्मी है, जो पैसे हैं जो आपने इस्तेमाल कर लिए, वो हमें दे दो आप, पर गोपीनाथ पटनायक ने बोला कि ठीक है मैं देता हूँ, कुछ दिनों में दीजिए अब मैं दे दूँगा। तो साथ में जब ये बोल रहे हैं कि हाँ दे दूँगा, तो उन्होंने कुछ मूल्य बोला, पर उन्होंने बोला नहीं, ये जो है आपको इतना मूल्य मुझे देना होगा। तो बोला देखिए ये जो मेरे जो घोड़े हैं, क्योंकि गोपीनाथ पटनायक ने कुछ घोड़े भी दिए थे, ये जो है ऐसे करके नहीं करते हैं कि इनका सर ऐसे घूमता है। तो इससे जो जो बड़ा जो उनका पुत्र था जो महाराज प्रताप रुद्र का, वो थोड़ा क्रोधित हो गया कि ये मुझे चिढ़ा रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो इतने समय में तुम मुझे दो, और नहीं तो तुम्हें हम मृत्यु दंड के हिसाब से कुछ करेंगे। और कुछ समय बाद भी वह लक्ष्मी नहीं लौटा पाए, तो उन्होंने सीधा उनको चांगा में डालने का आदेश दे दिया कि ये जो इनके गोपीनाथ पटनायक हैं, इनको जो है चांगा में डाला। जब चांगा कैसा रहता है, उसमें सूली रहती है जिसमें कि अगर कोई आदमी को डाला गया तो समझिए कि वो मृत्यु को प्राप्त ही हो जाएगा। तो जब ऐसा करके डाला गया, ऐसा करके उन्होंने आदेश दे दिया जो महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र है, तो भक्तजन जो है आए तुरंत दौड़ करके कि महाप्रभु के पास कि किसी तरह से इनको बचाइए, ये जो है ये चांगा में डालने वाले हैं, गोपीनाथ पटनायक की मृत्यु हो जाएगी। तो महाप्रभु ने बोला देखो मुझे इस सांसारिक चीज़ों में मत उलझाओ। उन्होंने जो राजा का धन वैसे भी जो है वह भगवान के धन की तरह होता है, उसका उसका संरक्षण होना चाहिए। अब जो भी वो किए हैं वो आपस में वो लोग समझेंगे। तो इस तरह करके महाप्रभु ने अपने आप को इससे काफ़ी डिसोसिएट कर दिया, मतलब उन्होंने कोई भी उसमें अपना अपने जो प्रभाव को कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया कि उसकी उनकी जो पनिशमेंट है वो लेस हो जाए। पर फिर भी क्योंकि महाप्रभु के पास गया, तो एक तरह से प्रताप रुद्र के पास भी, किसी महाराज प्रताप रुद्र के पास भी इस तरह नॉलेज गया, तो महाराज प्रताप रुद्र काफ़ी उनको विचलित हो गए कि अरे मैंने बोला था केवल धन अर्जित करो, उनसे धन वापस लो, पर उनको मृत्यु नहीं देना है। तो उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र को ये मालूम चला, तो उन्होंने तुरंत ये आदेश को रोका, और जस्ट वो जब वो चांगा वाले थे उनको रोक दिया गया।
इस लीला में हम ये देखते हैं कि महाप्रभु जो है वह भक्त अगर कुछ इधर उधर करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो उसमें वो अपना प्रभाव, भक्ति वाला प्रभाव को यूज़ करके उसको इन्फ्लुएंस करके जो जो दोष है उसको हटाने की कोशिश नहीं करते, उनको अपना फिर खुद ही संभालना पड़ता है अगर वो गलती ऐसा प्रकार के करते हैं। यस प्रभु जी। हाँ अच्छा बताया है। इसमें एक दो बहुत खास पॉइंट में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। इस आपने जो भी बताया इसमें, अभी गोपीनाथ पटनायक ने क्या किया था, सरकार ने उनको पैसा दी थी घोड़े खरीदने के लिए, लेकिन उस पैसे को लेकर उन्होंने क्या किया, कुछ कैबरे डांस ऐसे कुछ डांस चल रहा था, स्त्रियां कुछ नाट्य कर रही थी कहीं, तो उसको देखने के लिए वो पैसा को खर्चा कर दिया इसने। हाँ तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि सरकार के पैसा को लेकर इसने गलत प्रयोग कर दिया, तो महाप्रभु नाराज हुए, बोले भक्तों को, ये भक्तों गोपीनाथ पटनायक को बचाने के लिए मुझे बोल रहे हो आप लोग राजा को रिकमेंडेशन देने के लिए, लेकिन सरकार का पैसा का दुष्प्रयोग किया है इसने, और वो भी पाप कार्य के लिए, गलत कार्य के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को मैं क्यों बचाऊं, और अगर आप लोग बार बार मुझे विनती करते रहोगे मैं छोड़कर चला जाऊंगा, आलालनाथ में चला जाऊंगा, ऐसे बोले महाप्रभु। हाँ तो महाप्रभु को पसंद नहीं आया है क्योंकि सरकार का पैसा दुष्प्रयोग किया करके। अभी देखिए, ही इज गोइंग टू सी द डांसिंग गर्ल्स विद गवर्नमेंट मनी, नॉट बाइंग हॉर्सेस, वाई शुड आई सेव हिम, ऐसे वहां पर पूछे पूछा उन्होंने। तो उसके बाद गोपीनाथ पटनायक को छांगा में डालने वाला था बड़ा जन, हाँ वो राजा का बेटा, उस समय छांगा तैयारी हो रही थी, तब गोपीनाथ पटनायक हाथ जोड़कर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ऐसे जगन्नाथ का नाम लेता रहा, रोने लगा, सोचा कि मेरा अभी गला कट जाएगा, हम मर जाएंगे अभी, आज तो अभी आप कोई हमारा जान नहीं बचा सकते, क्योंकि राजा का पुत्र नाराज हो गया। तो इतने में वैष्णव लोग भागते हुए राजा के पास चले गए, तो बोले कि प्रताप रुद्र जी, आपको मालूम नहीं गोपीनाथ पटनायक भवानंद राय के 5 बेटों में से एक है, वाणीनाथ राय है, रामानंद राय है, ऐसे ये भी उनका एक बेटा है, उनको छांगा में डालने के लिए आपके पुत्र सोच रहा है। अब तुरंत प्रताप दूर उनको मना कर दिया, बेटा छांगा मत डालो, मैंने बोला पैसा वसूल करो, मैं उसको मारने के लिए थोड़ी बोला मैं, ऐसे बोला उन्होंने, तो उसके बाद उनका जान बच गया। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है, जो लोग पदवी में हैं, टेबल मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, वो लोगों को पैसा का दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इस्कॉन के पैसा को लेकर खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, वो बड़ा पाप है, महापाप है। भगवान का पैसा जो होता है वो दिव्य होता है, ब्रह्मास्पद है, पर उसका खुद के लिए खर्चा नहीं करना चाहिए। वो एक पॉइंट हम सीखते हैं। एक इस्कॉन के प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ, एक जो लीडर जो थे उन्होंने क्या बोला भक्तों को, इनके मंदिर में फुल टाइम गृहस्थों को उन्होंने अलाउ किया, 15-20 लोगों को बोला आप लोग अभी सेवा देते जाओ, आपको जितना पैसा थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है मैं दे दूंगा, जैसे आपको खाने पाने की व्यवस्था मंदिर में है, कपड़े दे देंगे, भगवान की पुजारी सेवा करो, बाकी सेवा करो, और कम वेतन लो अभी, सिर्फ आपको महीने में 5,000-10,000 ऐसे कुछ देंगे, लेकिन आप लोगों को 30-30 साल आप लोग सेवा करने के बाद आपके लिए एक जमीन ले लेंगे, उधर आपको सुंदर बढ़िया घर बना कर दे देंगे, आप लोग घर में शांति से रिटायर होकर 40-50 होने के बाद आप लोग उधर रह सकते हो, हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे, इस तरह बोलकर उन्होंने क्या किया, इस्कॉन में जो पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा को रख कर उन्होंने ऐसे कुछ 1.5 करोड़ में एक जमीन ले लिया वो अध्यक्ष ने, और जमीन लेकर उसके बाद इन लोगों के लिए जो इकट्ठित किया था उन्होंने, और 1.5 करोड़ रुपया उसमें से उन सबके लिए घर बनाने वाले थे। इतने में क्या हुआ, किसी को पता चल गया कि अध्यक्ष इस्कॉन के मंदिर के पैसा को लेकर
लोगों के लिए घर बना कर दे रखा है और कुछ जमीन भी खरीदा है। तो वो जमीन इस्कॉन के नाम में नहीं है, वो उसको प्राइवेट इसमें रखा है, लोगों के खुद के लिए उनके नाम में दे रहा है घर। देखिए, अगर इस्कॉन के नाम में क्वार्टर्स है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको अलग उनके उनके नाम में दे दिया, क्योंकि वो लोग बाद में वृद्धावस्था में रहना चाहते हैं। तो वो उसके कारण बड़ा हल्ला गुल्ला मच गया, क्योंकि वो टॉप लीडरशिप लीडरशिप तक चला गया, वो GBC बीरो तक चला गया। वो लोगों ने मना किया, इनको बोला कि इस्कॉन के पैसों को कैसे आप बाहर निकाल सकते, जमीन ले सकते, घर बना सकते, ये गलत है। अगर लोग मंदिर में सेवा के लिए आते हैं तो उनको थोड़ा वेतन दो, प्रसाद दो, मंदिर में कुछ कमरा दो रहने के लिए, लेकिन उनके लिए अलग प्रोजेक्ट के लिए आप सेविंग नहीं कर सकते हो, ऐसे ये गलत है। उस लीडर को डांटा उन्होंने, अपने इस्कॉन में आने वाले पैसे को बाजू में रखकर उसमें से जमीन लिया, उसमें से घर बना रहे हो, ये तो आपका प्राइवेट प्रोजेक्ट हो गया, तो बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। ऐसे उसको बड़ा बड़ा हो गया, वो बड़ा समस्या हो गया। उस अध्यक्ष को निकालने वाले थे वो, बाद में निकालने के बदले बोला क्या है, बहुत सालों साल उसने सेवा की है, अनजाने से कर दिया है, बल्कि उसको माफ़ किया उसको। उसके बाद और भी कुछ लोगों के साथ जोड़कर उनको अध्यक्ष के रूप में रहने के लिए छोड़ा उन्होंने। बोलने का मतलब क्या है, हम लोग अच्छे भावना से भी कभी पैसे को हम लोग दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग शंका करेंगे हमको, लोग बोलेंगे कि अरे इनको पैसा देंगे तो ये लोग कुछ भी करेंगे, पता नहीं, तो हमको रसीद दे देना चाहिए। अभी हिजोल ने बकरे हम तो महाराज, मैंने सुना कोई अगर उनको पैसा देते हैं तुरंत असिस्टेंट को बोलते हैं इनको रसीद काट कर दे दो, तुरंत दे देते हैं। इससे लोगों को भी विश्वास बढ़ेगा कि हम जो भी पैसे दे रहे हैं ऐसा ही उद्देश्य के लिए जा रहा है ऐसे। तो पैसा का दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट है पहला इसमें, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं प्यूरिटी वर्सेस हिपोक्रेसी। इसका मतलब हम शुद्धता रखना चाहिए, पैसे में एकदम क्लीन होना चाहिए, इसका उनका बैलेंस शीट होना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि हम जो भी पैसे दे रहे हैं इसका सही प्रयोग हो रहा है, इसका हिसाब किताब भी है इस्कॉन में पक्का देखना चाहिए। ठीक है, अभी गोपीनाथ पटनायक का कहानी सुना हमने, आगे बढ़ते हैं। फ्रोजन कम्प्लीटली फ्रोजन। तो इस्कॉन का भी आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, प्यूरिटी और हिपोक्रेसी, ये दो अपोजिट टर्म है। प्यूरिटी का मतलब है शुद्धता और हिपोक्रेसी का मतलब है डोंगीपन। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, विरोध विरोध है। अभी जब शुद्धता की बात हम करते हैं उसमें, जैसे मैंने शुरुआत में बोला ब्राह्मण और उसके बाद सन्यासी, उसके बाद राजा, उसके बाद स्त्री, ऐसे अलग अलग चीज़ के बारे में बोला हमने। लेकिन कुछ उदाहरण देंगे हम, जो लोग ऊंचे पदवी को पदवी प्राप्त हुआ उनको, लेकिन उसका दुष्प्रयोग किया उन्होंने, जैसे रावण उदाहरण के लिए है, वो ब्राह्मण के खानदान में जन्माता हो, लेकिन वो भगवा कपड़ा पहनकर आकर सीता माता को एक योगी के बड़े योगी के रूप में आया और सीता माता को दान देने की स्वभाव थी, वो साधु करके सोचकर दान देने के सोच रही थी वो, लेकिन उसको हड़प लेकर उधर लंका जाने की प्लान था उसका। देखिए, हाँ वो उदाहरण है, हिपोक्रेसी बोलते हैं ना उसको, इसको डोंगीपन बोलते हैं। इसी तरह इंद्र ने भी एक बार गड़बड़ की, एक बार नहीं अनेक बार गड़बड़ किया उसने। एक बार पृथु महाराज की याग यज्ञ जब चल रहा था, इंद्र को डर पैदा हो गई, ये सब यज्ञ कर देगा हमारा क्या होगा, हम शतक्रतु नाम से प्रसिद्ध हैं, जगत प्रसिद्ध हैं, इनको ये भी प्रसिद्ध हो जाएगा, दो इंद्र जैसे हो जाएंगे, मेरे रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगा वो। इस तरह सोचकर उसने सोचा कि इनके यज्ञ में कैसे रुकावट कैसे डाला जाए, तब वो चोरी करने लगा वो घोड़े को, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार नहीं, अनेक बार ऐसे बार बार। उसके बाद ब्राह्मण लोग बोले पृथु को, हमको आप आदेश दीजिए, इंद्र कहीं भी हो दुनिया में, हम ऐसे एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, उधर से आकर ये अग्नि के अंदर चला जाएगा वो। हाँ,
आदेश देने ही वाला था वो, लेकिन उतने में ब्रह्मा जी आ गए और रोक रोक टोक डाल दिया उन्होंने। ब्रह्मा ने बोला कि इंद्र भगवान के लिए बहुत प्रिय है, भगवान का पार्षद है, भगवान का अंश है, भगवान का सेवक है और अनेक वैदिक संस्कृति को बचा कर रखा है इंद्र ने, एक बार गलती होगी उसको छोड़ दीजिए आप लोग, और आप सवा यज्ञ मत कीजिए, शतक्रतु का नाम इंद्र को रहने दे, आपको शतक्रतु बनने की जरूरत नहीं, आप तो भगवत धाम लौटने की योजना बना रहे हैं, आप तो 99 यज्ञ से छोड़ दीजिए आप। ऐसे बोला उन्होंने, उसके बाद रोक दिया उन्होंने। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, इंद्र जब कपाली का सन्यासी बना है, अलग अलग सन्यासी का वेशभूष धारण करता था सब, वो ढोंगी सन्यासी जो भी बना हो आजकल ऐसा सन्यासी दिखाई देते हैं, क्योंकि इंद्र से सीख लिया होगा ये लोगों ने ऐसे ढोंगी बनने के लिए। आप कभी कभी देखते हो किसी मंदिर में, मंदिर के बाहर अनेक लोग भगवे कपड़े पहनकर बैठे हैं, दोनों बाजू में सबसे पैसा मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं चीज़ें, कभी कभी उनका हाथ पैर सब ठीक है लेकिन कुछ कसरत भी नहीं करते, शास्त्र भी नहीं पढ़ते, प्रचार भी नहीं करते, सिर्फ भगवे कपड़े पहन लेते हैं, सिर्फ पैसा लेकर खाते हैं पीते हैं सोते हैं, ऐसे आलसी लोग हैं ऐसे। तो ये एक वर्ग है जो लोग भगवे कपड़े पहनकर आलसी बनते हैं, प्रभुपाद ने उनकी खंडन किया है। प्रभु जी बोलते हैं इस्कॉन मंदिरों में प्रातः काल में ब्रह्मचारी उठ जाते हैं 3:30 बजे, 3 बजे 3:30 बजे उठ जाते हैं, रात को 9:30 बजे 10 बजे सोते हैं, दिन भर सेवा देते हैं, ऐसे ये सन्यासी ब्रह्मचर्य का स्टैंडर्ड है। टू कट ऑफ द टाई ऑफ मटेरियल अफेक्शन इज टू ब्रॉडन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। अगर हम दुनियादारी चीज़ों को छोड़कर मंदिर में आते हैं, सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो कोई भी हो, फुल टाइम गृहस्थ हो, तो हमें आध्यात्मिक एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद ऐसे इस तरह दोग्यपन नहीं चाहिए, जैसे रावण ने इंद्र ने ये लोगों ने की, वो उसको खंडन किया जा रहा है इधर। इधर देखिए प्रभु जी बहुत बोलते हैं इधर, बहुत महत्वपूर्ण चीज, इल बिहेवियर स्पॉइल्स रेपुटेशन ऑफ आवर सोसाइटी। आई रीड दिस, यस प्रवीण, रीड दिस, टेल द ट्रांसलेशन ऑफ दिस टू पैराज, वेरी इंपॉर्टेंट। यस These two प्रवीण, are very important because examples are also given here. जैसे कि धार्मिक नियम बनाए जाते हैं एक शुद्ध भक्त के व्यवहार से, उसी प्रकार जो जो उसी प्रकार जो धर्म की जो जो ख्याति है वह दूषित हो जाती है जब कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है और अपने आप को वैष्णव बताता है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जैसे कि शुद्ध भक्त के आचरण से लोग सीखते हैं और एक 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 जो धर्म की जो नियम है वो स्थापित होती है, उसी प्रकार धर्म की जो ख्याति है उसको ठेस भी पहुंचती है अगर कोई व्यक्ति जो अपने आप को वैष्णव बता रहा हो वह उचित व्यवहार नहीं कर रहा हो। इसमें एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि जो धन है उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं करना, जैसे प्रभुपाद ने भक्तों को यह नहीं उन्होंने ये हतोत्साहित किया इस बारे में कि कोई जो है ज्वेलरी की बेच करें इस्कॉन में। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे बाल योगी की जो मूवमेंट है, बाल योगी इस मूव जितने मूवमेंट है वह केवल इसी कारण से समाप्त हो गई क्योंकि पब्लिक जो है जो आम जनता है उन्होंने उनपे जो ट्रस्ट है जो विश्वास है वो खो दिया। उसी प्रकार जो बच्चे हैं या स्त्री हैं उनका ढंग से उनके साथ दुर्व्यवहार करना या पुरुष और स्त्री के बीच में ढंग से व्यवहार ना होना या जो क्रोध है वह डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब जितनी आवश्यकता है उससे अति ज्यादा यह इस प्रकार का क्रोध या आध्यात्मिक पथ से कोई पथग्रस्त हो जाए या फिर कोई काफी अहंकारी ढंग से व्यवहार करे,
या चोरी करे, इस प्रकार अन्य एक प्रकार से अगर कोई वैष्णव अपने आप को वैष्णव बताता है और इन सब में लिप्त होता है, तो वह पूरे जो संस्था है, पूरी जो हरे कृष्ण आंदोलन है, उसको एक बुरा नाम लेकर के आ जाता है। देखिए इधर अनेक उदाहरण दिया है इधर। अगर आप देखते हैं कि आध्यात्मिक संस्था है हमारे इस्कॉन, है उस आध्यात्मिक संस्था का बदनाम कोई नहीं लाना चाहिए। और बदनाम कैसे होता है, तो प्रभुपाद जी का जो उदाहरण दिया है उन्होंने, उन दिनों में इस्कॉन में एक ये बेचते थे इंसेंस, स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस करके अगरबत्ती, लंबे लंबे अगरबत्ती, बहुत सुगंध आता था उसमें। और उसके साथ साथ प्रॉपर की किताबों को बेचते थे, वो अगरबत्ती दिखाते थे, अनेक लोगों को अच्छा लगता था फ्रैग्रेंस, लोग $10 देते थे, साथ साथ एक एक दो किताब दे देते उनको उसके साथ, ऐसे बेचते थे। ऐसे ऐसे करते 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 स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस एकदम मशहूर हो गया वो इस्कॉन में। तो ऐसे किताबें हजारों लाखों मात्रा में जाने लगी, क्योंकि स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस के साथ जोड़कर बेचो इस्कॉन, ये इस्कॉन में किताब चलता था बहुत आसानी से। तो क्या हुआ उसके बाद, भक्त लोगों को लगा कि बिजनेस करेंगे इस्कॉन में, भगवान के लिए बहुत पैसा मिल सकता है। ये सोचकर उन्होंने क्या किया, हम ज्वेलरी का बिजनेस भी चालू करेंगे, गोल्ड ज्वेलरी का, ऐसे सोचा उन्होंने। अगर गोल्ड सिल्वर हम बेचते हैं तो उसके द्वारा इस्कॉन में भगवान की सेवा के लिए बहुत पैसा आ सकता है। प्रभुपाद ने बोला नहीं, बोल दिया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि आप लोग अगर सोना चांदी का बिजनेस करोगे इस्कॉन में, उसमें उसका चोरी भी हो सकता है और उसका उसके उसमें कली भी बैठा है, उसको इकट्ठित करने में बड़ा समस्या, उसमें प्रभुपाद ने मना कर दिया उसको। तो बाल योगी का बता रहे हैं कि बाल योगी नाम के एक व्यक्ति पाश्चात्य देश में प्रचार के लिए गया था वो, लेकिन उनके लोगों ने थोड़ा पैसा का गोलमाल किया ना, जिसके कारण उनके संस्था बंद ही पड़ गया, उनको भगा दिया वो लोगों ने, भारत वापस आ गया वो। प्रभुपाद जी बोले कि अगर हम लोग इस्कॉन में पैसा का कुछ हिसाब किताब नहीं रखेंगे, कुछ दुरुपयोग करेंगे उसका, तो लोग हम पब्लिक को हमारे ऊपर विश्वास उठ जाएगा। इसलिए हर एक पेनी टू पेनी जो भी हम कलेक्शन करते हैं उसका हिसाब किताब बैलेंस शीट होनी चाहिए हर एक। अभी आप लोग मान लीजिए ये प्रोग्राम अटेंड करने वाले किसी के पास आपका कोई छोटा सेंटर हो, शुरुआत में क्या होता है आपके सेंटर में लोग ऐसे ही आकर डोनेशन देते हैं, आप रखते हैं ऐसे ही एक लॉकर में और निकाल निकाल कर पैसे को खर्चा भी करते हैं, शुरुआत में ऐसे ही होता है, जो भी देते हैं सब पैसा डाल दो एक डब्बा में, डब्बा से निकाल निकाल कर खर्चा करो, ऐसे चलता है। कुछ समय के बाद आपका सेंटर बड़ा हो जाता है, 100 लोग आते हैं, 200 लोग आते हैं, लाखों रुपया आना चालू हो जाता है। कुछ कुछ लोग, एक बार एक भक्त यात्रा में लेके गए, वो लगभग 400-500 लोगों को लेकर गए, और लोग सब कैश दिया है उनको टिकट के लिए, उनके पास ऐसे 2-3 लाख रुपये कैश है, एक ज्वेलना बैग में रखा है, ऐसे ज्वेलना बैग में रखकर उधर से लोगों से पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं। तो जब ट्रेन में जा रहे हैं, एक व्यक्ति देख लिया कि अरे इनके पास बहुत बड़ा पैसा है इस पॉकेट में, क्योंकि ऐसे बड़ा करेंसी नोट ऐसे अंदर रखा निकाल रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो एक बार वो ऐसे ज्वेलना बैग रखकर बाथरूम गए थे, कोई उठा लिया उसको, है पैसा घूम गया, 1-2 लाख गया इनका ऐसे उधर से, क्योंकि लोग देख रहे हैं ना, तो ऐसे कैश हैंडल नहीं करना चाहिए, उसका हिसाब किताब पक्के होने चाहिए। जो भी आजकल तो कार्ड भी है, एटीएम कार्ड है, ये सब आ गया है। तो मतलब क्या है, पैसा हम लोगों से जो लेते हैं उसका पक्का हिसाब किताब चाहिए और वो गुम नहीं जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया है कि बच्चों का और स्त्रियों का शोषण नहीं होनी चाहिए, बताया है। कभी कभी इस्कॉन के शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद जी के शिष्य जो थे, पुरुष लोग बुखोतरण के लिए फंडरेसिंग के लिए जाते थे, माताएं भी बहुत व्यस्त रहती थी सेवाओं में, तो उनका जब बच्चा हुआ, बच्चे को गुरुकुल में डाल देते थे वो, तो गुरुकुल में ऐसे धीरे धीरे होकर 30-40-50 बच्चे आने लगे, लेकिन उन बच्चों को देखभाल करने वाला कोई नहीं था, सब भक्त व्यस्त हैं सेवा में, भागो दौड़ो है, सेवा है, भक्त लोगों का संख्या कम है, सेवा ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने अयोग्य लोगों को गुरुकुल चलाने के लिए छोड़ा।
लेकिन अयोग्य लोगों के कारण क्या हुआ है, गुरुकुल में बच्चों का अब्यूज हुआ, बच्चों का शोषण हुआ, और वो बाद में ये बच्चे स्मरण करने लगे कि हम स्कूल के दिनों में हमको इस तरह का शोषण किया गया। बहुत बड़ा कोर्ट केस बना वो टर्ली केस करके, उसके बाद इस्कॉन को करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ा उसके बाद। इसलिए क्योंकि वो बच्चे जब मासूम होते हैं, और इसी तरह स्त्री जो होती है उसको भी कोई रक्षक संरक्षक कोई होनी चाहिए, रक्षा प्रदान करने वाले हैं, जैसे पिता हो, पति हो, बेटा हो कोई। इस तरह स्त्रियों का दुर्व्यवहार कोई ना करे, स्त्रियों के साथ बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। और साथ साथ कभी ऐसे होता है, बाहर की दुनिया में तो बहुत होता है, लेकिन इस्कॉन में भी ऐसे होने की संभावना है। जैसे कोई पति पत्नी प्रचार काम चालू करते हैं, बहुत लोग आते हैं कार्यक्रम में, अगर पति वो उस प्रोग्राम में आने वाले स्त्रियों के साथ कुछ कांटेक्ट रखता है, उनको उपदेश वगैरह देता है, वो अच्छा नहीं है अकेले उपदेश देना, इसके कारण कभी प्रॉब्लम हुआ है, समस्या हुआ है। पति पत्नी साथ में ही गाइडेंस देना चाहिए किसी भी परिवार को। तो इस तरह पुरुष स्त्री उनके बीच में कुछ ये नहीं होना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं होनी चाहिए। ऐसे कभी कभी ब्रह्मचारी अच्छा प्रवचन देता है, भक्ति शास्त्री कोर्स करता है, कोई माता जी है वो एस एम एस भेजती है, आपका बहुत अच्छा बढ़िया लेक्चर दिया आपने, इस तरह बोलकर शुरू करते हैं, बैक एंड फोर्थ एस एम एस करते 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 व्हाट्सएप मैसेज भेजते भेजते कभी कभी गलत तरह का संबंध जुड़ जाता है। वो भी रिप्लाई करता है, ये भी रिप्लाई करते हैं, दोनों के बीच में थोड़ा गलत तरह का संबंध जुड़ता है। बाकी लोग देखते हैं कि ये लोग ज़्यादा बात करते हैं, ये उसके लिए खास स्पेशल प्रसाद देता है, उनको बर्थडे गिफ्ट देता है, ये भी उनके लिए गिफ्ट देते हैं, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर वो स्त्री विवाहित हो तो परिवार में बड़ा घटस्फोट होने की संभावना है। इसी तरह अगर कोई अविवाहित हो तो वो ब्रह्मचारी उसके साथ विवाह करके बाहर चला जाता है, ऐसे भी हुआ है इस्कॉन में। तो ये सब होता है। तो इस तरह अगर हम लोग स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड होनी चाहिए इसमें, इस तरह ब्रह्मचारी होते हैं जो सब से उनको माता के रूप में देखना चाहिए, और विवाहित लोग भी जो हैं अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए, मातृवत परधारेषु ऐसे बताया गया, उनके साथ सही ढंग से व्यवहार करने चाहिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार माताओं को पूजनीय अवस्था में देखना चाहिए, देयर वर्शिपेबल, भवती भिक्षान देही, ऐसे भिक्षा लेते हैं ब्रह्मचारी लोग घरों में से। तो पुरुष स्त्री का गलत व्यवहार नहीं होने चाहिए। कुछ कुछ लोग क्या होता है, मॉडर्न कल्चर अभी आ गया कॉलेजों में, आजकल स्त्रियां भी पढ़ने के लिए जाती है कॉलेजों में, पुरुष भी जाते हैं, उधर कल्चर मॉडर्न कल्चर होता है, लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ऐसे ही एक ही टेबल के राउंड टेबल में बैठकर बातें करते हैं ऐसे। इसके कारण अभी इस्कॉन में आने के बाद भी कुछ मॉडर्न माताएं होती हैं, तो वो कभी कभी अनेक प्रभुजियों के साथ बहुत फ्रीली बात करती है, कभी कभी जोक मारती है, और पुरुष भी जोक मारते हैं, तो उससे कभी कभी एक पुरुष की पत्नी जो होती है वो सोचती कि मेरे साथ मेरे पति कभी जोक नहीं मारता, अभी वो स्त्री के साथ जोक मारता है, उसको वो क्या अच्छा लगती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, अभी इस्कॉन में भी आ सकते हैं। इसलिए एक बार एक पुरुष जाकर पब्लिक में एक माता जी को जाकर अप्रिशिएट किया 5-10 मिनट बहुत, तो उसके बाद उसके कारण बाकी लोगों के मन में गलत फहमी हुआ कि ये क्यों उसके उसको उसके साथ फ्लर्टिंग, अंग्रेजी में फ्लर्टिंग बोलते हैं, क्यों वही से फ्लर्टिंग विद दैट माता जी, क्योंकि वो खूबसूरत दिखती है, वो उसके पास जाकर ऐसे बातें करता है वो, तो इसके कारण प्रॉब्लम होता है, समझा ना आपने। तो इसलिए पुरुष स्त्री को अपना मर्यादा समझना बहुत आवश्यक है। मर्यादा का मतलब जैसे लक्ष्मण रेखा, उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, उस सीमा के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हो, अब माता जी हरे कृष्ण, आपने सब लोगों का अच्छा गाइडेंस दिया, बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण, ये मर्यादा के अंदर है। उसको छोड़कर मजाक उड़ाना, जोक करना, कॉलेज विद्यार्थी जैसे बातें करना वो नहीं चाहिए, इस तरह डिस्प्रोपोर्शनेट एंगर। अगर कोई लीडर सीमा से बाहर होकर बहुत जोर से चिल्लाया किसी वैष्णव के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर असर पड़ता है इसे,
उसका बुरा असर पड़ जाता है। हमने अभी मैनेजमेंट में कभी गर्मी बढ़ता है। हमने सुना कि एक एक कम्युनिटी में टीएमसी लोग बता रहे थे मुझे, एक व्यक्ति आता है मंदिर में, अनेक वक्ताओं को चिड़चिड़ता है और नाराज होता है और जोर से आवाज करता है, अनेक लोग उनकी ओर मुड़ते हैं आवाज के कारण। कभी उसको क्या बोलना चाहिए, उसको रोकना चाहते हैं वो लोग, बोल देंगे मत आओ तो मंदिर में आए ऐसे। वो मंदिर में, वो बता मंदिर में आने से आप रोक कैसे, रोक टोक कैसे डाल सकते हो आप लोग। वो आता भी है, चिल्लाता है, हर संडे को आता है, चिल्लाता है, लोगों को प्रॉब्लम है ऐसे। तो कुछ कुछ लोग उनका आदत होता है क्रोधित हो जाना, उसके कारण इस्कान का बदनाम होता है। और फॉल डाउन फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ, कुछ लोग पतित हो जाते हैं क्योंकि वो चार नियमों को तोड़ने के कारण। ऐसे अरगंट बिहेवियर, इसका मतलब है अनादर करना दूसरे वैष्णवों को। वो ऐसे कुछ लोगों का व्यवहार होती है, दूसरों को अनादर, निंदा करना, दूसरों को अनादर करना ऐसे। देखिए कभी कभी छोटे छोटे गलतियां होता है, लेकिन किसी को अनादर नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब पॉलिसीज बनाया जाता है, पॉलिसी हम बताते हैं कि सब डोनर्स इस लाइन में जाएंगे, बाकी सब भक्त इस लाइन में आना चाहिए और बाकी आउटसाइडर्स वो लाइन में जाएंगे। प्रोटोकॉल्स हैं, आप लोग इस इसमें जाओ उसमें जाओ। अगर पॉलिसी बनाए हैं ऐसे, उसको सब लोग फॉलो करना चाहिए। कभी कभी हम फॉलो नहीं करते हैं कोई, उसके कारण भक्तों के बीच में झगड़ा होता है। कभी कोई फॉलो नहीं करता, वो बोलता है कि अरे मैं 20 साल से भक्त हूँ, तुम कौन हो, मैं इधर से भी जा सकता हूँ उधर से भी जा सकता हूँ, तुम कल का बच्चा चुप रहो ऐसे वो बोलता है। और ये बोलते हैं अरे कभी उसने मेरा निंदा किया पब्लिक में सबके सामने, कुछ लोग हंस पड़े मेरे ऊपर ऐसे। तो वैष्णव के बीच में मनमुटाव हो जाता है, उनका ग्रुप्स बन जाता है, उसका एक ग्रुप बनता है, इसका ग्रुप बनता है, सब लोग एक दूसरे को निंदा करते हैं। तो ये सब हमारे आध्यात्मिक संस्था में अच्छा नहीं है, ज़्यादा नाराज हो जाना, मजाक उड़ाना ऐसे। कुछ लोगों का ऐसे फॉल डाउन भी हुआ है, फॉल डाउन का मतलब है कुछ दुर्व्यवहार के कारण, स्त्री पुरुष के दुर्व्यवहार के कारण हुआ है। तो इस तरह अरगंट बिहेवियर, इसका मतलब है जैसे उदाहरण देखते हैं इसमें श्रीमद् भागवत में, एक बार हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष ढूंढते हुए गया कि कौन मेरे साथ लड़ाई कर सकता है। ऐसे इनके पास पहुंच गया, वरुण देव के पास पहुंचकर बोला कि वरुण देव, वरुण जी है ना, आपके पाँव पड़ता हूँ है ना, आपसे याचना करने के लिए आया हूँ ऐसे बोलकर पाँव पड़ा उनकी। तो वरुण देव ने पूछा बताइए आपको मैं क्या कर सकूँ। वो बोला कि क्या कर सकूँ, आपके साथ युद्ध करना है, आपको मारना है, बोला ऐसे उसने। अच्छा मुझे मार डालना है तुमको, तो वो भी कम नहीं थे, वो भी उसको मजाक उड़ाते हुए बोले हे देखो हिरण्याक्ष मैं बुढ़ा हो गया, मेरा शरीर क्षीण हो गया। देवता लोग बुढ़ा बुढ़ा होते नहीं, हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं वो, फिर भी वो बोले कि हम बुढ़े हो गए, हमारे शक्ति में हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, क्षीण हो गया, लेकिन आपके साथ लड़ाई करने के लिए योग्य एक व्यक्ति जन्मा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वराहदेव, तो उनके साथ लड़ाई करो, वो एक ही दिन में तुम ये एक ही घंटे में तुमको मार कर जमीन में ऐसे डाल देंगे कि तुम उठोगे नहीं, और गीदड़ और क्या बोलते हैं उसको, लोमड़ी सियार इत्यादि आकर तुम्हारे शरीर का भक्षण करेंगे, वो खाएंगे ऐसे ऐसे बोले। तो इस तरह ये उनको मजाक उड़ाने के लिए गया, वो नाराज होकर उनको ऐसे डांटना उन्होंने। तो बोलने का मतलब क्या है, इस तरह के अरगंट बिहेवियर बोलते हैं, जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का व्यवहार ऐसा था। तो इसी तरह अगर वैष्णवों के समय देखा जाए तो रोमहर्षण सूत्र, अनादर किया बलराम जी को,
इधर देवानंद पंडित भागवत बोलता था, लेकिन शिवा ठाकुर को अनादर किया और उनके शिष्यों के द्वारा एक लीला ऐसे गया है। इस तरह से एक गोपाल चक्रवर्ती हरिदास ठाकुर को अनादर किया पब्लिक उनके एक मीटिंग में, ऐसे अनादर किया उसने। तो इस तरह से एक वैष्णव को अनादर करना, जैसे दुर्वासा मुनि ने अनादर की इनको अम्बरीश महाराज को, इस तरह के व्यवहार छोड़ना चाहिए भक्तों को। और चोरी के बारे में बताया गया है, चोरी भी नहीं करना चाहिए। ये सब उदाहरण है क्या क्या गलत व्यवहार एक इंसान कर सकता है, वो सब लिस्ट बनाया बताया गया है इधर। और इसके कारण क्या होता है, कभी कभी जब बदनाम आ जाता है लोगों के अंदर एक दृष्टिकोण आ जाता है कि अरे इस्कॉन में भी ये सब होता है, वो लोगों ने ऐसा किया है वैसा किया है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि सब साधु लोग ढोंगी हैं, ऐसे कुछ लोग सोच लेते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि अरे इस्कॉन में इसने ऐसे किया, मतलब सब लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे उनको लगता है, जो सत्य बात नहीं है। मान लीजिए अगर कोई बड़े कंपनी है, उस कंपनी में एक व्यक्ति ने खून कर दिया किसी को, मतलब नहीं कि उस कंपनी में काम करने वाले सब लोग खूनी हैं, ऐसा नहीं है। इसी तरह इस्कॉन में भी अगर गलती हुआ तो बुरा असर पड़ता है समाज के ऊपर, पेपर में आता है और लोगों को गलत दृष्टिकोण से देखते हैं। इसके कारण आजकल भी अब इंटरनेट में कभी कभी इस्कॉन के बारे में कुछ बुरा भला बोला गया है, लोग उसको पढ़कर बोलते हैं कि हम आपके मंदिर में नहीं आएंगे, हमने ये पढ़ा वो पढ़ा, लोग बोलते हैं। लेकिन वो सब पुराने बातें हैं, अभी इस्कॉन बहुत सुधर गया है पहले से। अभी पिछले 20 साल में इस्कॉन में ट्रेनिंग, एजुकेशन, पॉलिसीज मेकिंग, परफेक्ट मैनेजमेंट सब बढ़ गया है आजकल। फिर भी हम लोग सावधानी से हमारे आध्यात्मिक जीवन को जीना चाहिए। इधर एक पॉइंट बताया गया है, प्रभुपाद जी ने बताया कि इस्कॉन के लोग कैसे रहने चाहिए, परफेक्ट जेंटलमैन एंड लेडी परफेक्ट होनी चाहिए। तो बताया कि कुछ लोग इस्कॉन को ओशो के साथ जुड़कर सोचते हैं कि दोनों एक ही है, तो हमें समझाना पड़ेगा उनको, ओशो का एग्जैक्टली ऑपोजिट फिलॉसफी है हमारा। हम बोलते हैं चार नियम पालन करो, ओशो के लोग बोलते हैं संभोग से समाधि, उनका अलग है, कुछ लोग गलत सोचते हैं। इसी तरह इस्कॉन के बारे में जो भी गलत फहमियाँ हैं, एक बार अमेरिका में भी और जर्मनी में भी कुछ लोग शिकायत किया सरकार में, वो लोग बोले कि इस्कॉन के लोग लोगों को लेकर ब्रेन वॉश कर देते हैं, जिसके कारण लोग सिर्फ कृष्ण के पीछे भागते हैं। तो प्रभुपाद ने अलग अलग आंसर दिया ब्रेन वॉश के बारे में। एक बार प्रभुपाद ने बोला कि इनके इनके सर के अंदर क्या है, ब्रेन है ही नहीं इनके पास, सिर्फ गोबर है, उसको हम सफाई कर रहे हैं, ऐसे बोले प्रभुपाद जी हैं। यू आर वॉशिंग द स्टूल इन द हेड, ऐसे बोले। और एक बार प्रभुपाद जी ने बोला, जब कोर्ट केस हुआ था इस्कॉन के विरुद्ध, तब प्रभुपाद ने बोला कि लॉयर के समक्ष हमारे सब किताबों को डालो, उनको पढ़ने के लिए बोलो, और उसके बाद वो जज करें। तो ऐसे लगभग 20-30 दिन गया कोर्ट केस, उसके बाद कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इस्कॉन के लोग सही ढंग से शास्त्र को पढ़कर जीवन जीते हैं, उनका जीवन शैली अद्भुत है, चार नियम पालन करते हैं, नाम जप करते हैं, सब लोग समझदार आदमी हैं, और वो लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से भी बेटर है, बेहतर है, ऐसे आ गया। उसके बाद कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। क्यों मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी गलत फहमियाँ हमारे संस्था के बारे में आता है, तो लीडर लोगों को शांति से उसको समझाना चाहिए लोगों को। ऐसे कुछ लोग आजकल बोलते हैं, अरे भारत से पैसा इस्कॉन बेचता है अमेरिका, क्योंकि राजीव दीक्षित करके एक व्यक्ति है अमरावती, तो वो एक छोटा वीडियो बनाया जो वायरल गया, वो करोड़ों लोगों के पास, वो बोला कि कॉलगेट कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, उनका उदाहरण देकर उसने बोला ये लोग भारत के पैसे को लेकर अमेरिका भेज रहे हैं, तो भारत के लिए बड़ा नुकसान है, ऐसे उसने बोला। तो उसके बाद वो मर गया वो व्यक्ति, उसके भाई, छोटा भाई जो था, वो बाद में दूसरा वीडियो बनाया, बोला उसने मेरे भाई ने गलत बोला, हमको पता चल गया इस तरह इस्कॉन का पैसा भारत से बाहर नहीं जा रहा है, बाहर के पैसा इस्कॉन में आ रहा है इंडिया में। कैसे,
अभी देखिए उधर मायापुर में एक बहुत बड़ा अद्भुत मंदिर बन रहा है 500 करोड़ में, 600 करोड़ में। उधर 300 करोड़ अमेरिका के अम्बरीश फोर्ड ने दिया है, तो वो पैसा आया। इसी तरह मायापुर, कलकत्ता, वृंदावन और जुहू, ये सब मंदिर कैसे बने? इसका पैसा प्रभुपाद जी अमेरिका से लेके आए, 40 रुपया लेकर गए प्रभुपाद जी, 40 करोड़ लेकर आए, तो ये सब मंदिर बना उन्होंने। और इस तरह अमेरिकी लोग आ जाकर भारत में भी रहते हैं अनेक लोग, वो लोग भी बहुत डोनेशन लेकर आते हैं, बाहर से इधर आता है, गल्फ से भी डोनेशन आता है इधर, अमेरिका से भी आता है, बाकी प्रदेशों से भी आता है। भारत उतना धनी नहीं है कि सब लोगों को इतना इधर से पैसा भेजने के लिए, भारत में सब आता है, बाहर से भारत के अंदर आता है। लेकिन मैंने क्यों बोला, चंचल चरण प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, ये सब लोगों ने वीडियो बनाया है इसके बारे में, अगर आपको देखना तो देख सकते हो आप। हाँ, लेकिन बोलने का मतलब क्या है, लोग जो गलत फहमियाँ बोलते हैं आपको, उन गलत फहमियों को सुधारना चाहिए हमको, उसके लिए जानकारी भी चाहिए हमको। इसलिए हम लोग अगर एक आदर्श भक्त बनेंगे, लोग उन आदर्श भक्तों को देखकर लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, गहरा विश्वास बढ़ेगा उनको, ये पॉइंट है। हम बोलते हैं हमारे विद्यार्थियों को कि हम लोग प्रचारकों को आदर देना चाहिए, गुरुओं को मानना चाहिए, लेकिन गुरु और प्रचारक, मल्टीपल लीडर जो भी हो, TMC हो, सब लोग आदर प्राप्त करने के लिए योग्य होने चाहिए। हाँ, जब हम योग्य बनेंगे तब लोग आदर दे सकते हैं। और इसलिए हमारे व्यवहार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो गृहस्थ भक्तों के लिए कुछ चीज़ें मैंने सोचा है उदाहरण देने के लिए। जैसे गृहस्थ भक्त जब मंदिर में आते हैं वो वैष्णव ड्रेस कपड़े पहनकर आने चाहिए, जैसे धोती कुर्ता, साड़ी इत्यादि, वो ऐसा कपड़े ना पहने जिसको देखकर दूसरे लोगों के मन विचलित हो, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए उनको। इसी तरह और एक उदाहरण दिया है, जैसे हम लोग अगर TMC हो, लीडर हो, मंदिर में आने वाली कांग्रीगेशन को आदर देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, प्रवचन अटेंड करते हैं, सेवा देते हैं और दान भी देते हैं उसको चलाने के लिए, तो ये बहुत आवश्यक है कि उनका सही ट्रीटमेंट हो, किसी का निंदा ना हो। और जो मंदिर के अधिकारी वचन देते हैं उस वचनबद्ध रहना चाहिए ना, ऐसे जैसे ऐसा नहीं कि एक बात बोला उन्होंने उसको किया नहीं, ऐसे जैसे कुछ कुछ मंदिर में बोलते हैं कि जो लोग इतना बढ़िया किताब वितरण करेंगे हम उनको प्राइजेस देंगे आपको, हाँ, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज इत्यादि। कभी कभी बुक मैराथन होता है, खर्चा बहुत होता है, और मंदिर बोलता है कि अभी प्राइस के लिए कुछ पैसा नहीं हमारे पास, प्रभुपा जी खुश हो जाएंगे, बस उसे तृप्त हो जाओ, ऐसे बोल देते हैं। तो लोग बोलेंगे प्रभु जी आपने प्रॉमिस की थी प्राइस देंगे, प्राइस नहीं दिया बोलेंगे। कभी कभी कुछ बोलते हैं लेकिन वो इस बात को वचनबद्ध नहीं रहते हैं, तो ये भी देखा जाएगा, लोग देखेंगे कि क्या प्रॉमिस रखते हैं कि नहीं, ना? ऐसे वो लोग देखेंगे ऐसे। तो इसी तरह जो टेंपल मैनेजमेंट काउंसिल में जो हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप बाकी आने वाले लोग आते हैं जाते हैं उनसे भी ज़्यादा जिम्मेदार है उनके ऊपर, आपके चरित्र के ऊपर। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, एक टेंपल मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर ने एक होटल चालू किया, तो इस्कान का मंदिर है, वो इस्कान के मंदिर के अपोजिट साइड में वो होटल चालू करते हैं, इस्कान में भी गोविंददास है, वो खुद का होटल भी चालू कर दिया, माधवास ऐसा कुछ रखते हैं, हा? तो इससे क्या होता है, वो इस्कान के गोविंददास के साथ स्पर्धा हो गया वो, है? तो जनता पूछने लगा कि अरे आप खुद ही अधिकारी हो मंदिर में, तो मंदिर के लिए नुकसान कर रहे हो आप, है? तो अगर आप उसके अपोजिट में होटल चालू कर दिया तो मंदिर में इधर आने वाले लोग उधर जाएंगे ना, हा? तो इस तरह जो लोग पदवी में हैं वो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो जिससे लोगों को शंका पैदा होता है। इसी तरह कभी कभी
अगर कोई लीडर टीएमसी एमवे जैसे कुछ बिजनेस करता हो, एमवे जानते हैं आप? एमवे, एमवे का मतलब है जैसे बड़ा बिजनेस है, एमवे है। इसमें क्या होता है, ये एक व्यक्ति के पास एक नेटवर्क होता है उसका, और उसके नेटवर्क के आदमी के पास और नेटवर्क, बड़ा 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 नेटवर्क है। ऐसे वो लोग बोलते हैं कि अगर आप करते जाओगे तो 1 साल 2 साल 3 साल में आपका पैसा वेतन बढ़ता जाएगा आपको उसमें। लेकिन वो गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जैसा है, वो द्यूत क्रीड़ा जैसा हो, मैम बहुत बहुत डेंजरस है। अगर लीडर लोग, इस खान के लीडर लोग अपने कम्युनिटी का लाभ उठाकर इस तरह एमवे चालू किया वो लोगों ने, उसमें अनेक लोगों को बड़ा नुकसान हुआ, लाखों लाख रुपया कांग्रेस का नुकसान हुआ। वो लीडर के विरुद्ध झंडा झंडा पकड़ने लगे, अरे ये लीडर को नीचे उतारो, इसने बोला करके हमने पैसा इन्वेस्ट किया उस स्कीम में, हमारा पूरा 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया बर्बाद हो गया, तो इस लीडर को नीचे उतारो, ऐसे झगड़ा किया कुछ मंदिरों में। तो इस तरह का गलत फाइनेंशियल प्लान यानी मैं लोगों को जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि टीएमसी हैं, लीडर हैं, पदवी है आपके पास, इसका मतलब नहीं है कि उस पदवी का सहारा लेकर लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, सबके साथ बिजनेस करो, अपने पॉकेट के पैसा को बढ़ाओ, ऐसे नहीं कर सकते कोई। हाँ ऐसे ठीक है, हम अनेक विषयों के बारे में चर्चा की। तो किसी को कुछ प्रश्न पूछना है क्या, किसी को? हरे कृष्णा, किसी भक्तों को प्रश्न है तो कृपया करके हैंड रेस कीजिए। सत्यावेश करूं? बोले सत्यावेश करो। हरे कृष्ण भाई, दंडवत प्रणाम जी। धन्यवाद, गुरु मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज सुन रहे हैं? आ रहा है भाई। तो बहुत सुंदर मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी मेरा एक इस तरह प्रश्न है कि अभी मंदिर की तरफ से भक्तों को लेकर यात्रा में जाते हैं, कुछ भक्त यात्रा लेके जाते हैं, करेक्ट, तो वो खुद से बिजनेस खुद के लिए वो पैसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो कांग्रीगेशन के भक्त है उनके बच्चों को, उनके किसी को से सेवा के लिए लेके जाते हैं और उनसे यात्रा में सेवा करवा लेते हैं और पैसा सब खुद यूज करते हैं, सत्संगों में देते हैं ऐसा वैयक्तिक। अभी मैंने भी यात्रा निकाला था, लेकिन मैंने किसी भक्तों को नहीं लेके गया, मैं बाहर के लोगों को ले गया, बाहर लोगों को इस्कॉन के लिए ज्वाइन किया, इस्कॉन का कुछ मार्गदर्शन लिया। तो ये किस तरह, कितना कैसा ठीक होगा, उसमें क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, इस यात्रा के बारे में हमने कुछ पॉलिसीज बनाए हैं, पॉलिसीज। अभी जब हमारे पुणे के किशोर गौरंगा प्रभु यात्रा चालू किया उन्होंने बहुत सालों के पहले, तब हमने एक पॉलिसीज बनाया कि देखो मंदिर के ऊपर कुछ बदनाम नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आप यात्रा लेके जा रहे हो तो वो सुष्ठु तरीके से सही ढंग से यात्रा होनी चाहिए, वो एक चीज़ है। कभी कभी देखिए, अभी वृद्ध लोग भी जाते हैं यात्रा में। हाँ, अगर वो रेलवे स्टेशन में गिर गए नीचे ट्रेन से, कान टूट गया, अशोक छो गया, तो इस्कॉन का बदनाम होगा, बोलेंगे कि बूढ़े व्यक्ति को आपने ख्याल नहीं रखा। हाँ, ऐसे लोग बोलेंगे। तो हमने बोला कि बोलो आप लोग धोती कुर्ता पहनते हो, तिलक पहने हो, तो सोचते हैं कि इसका नहीं निकल रहा है, हम लोग नहीं निकल रहे हैं यात्रा, आप खुद का कर रहे हो, इसलिए लोगों का सुरक्षा बहुत आवश्यक है, इसके बारे में हमने बोला। दूसरा चीज़, यात्रा से बहुत पैसा मिलता है लोगों को, यात्रा आजकल एक बिजनेस हो गया, आजकल अनेक लोग बिजनेस के रूप में करते हैं और उसमें से लाभ भी प्राप्त होता है उनको, प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो कुछ कुछ लोग आकर हमारे पास शिकायत किया कि आप कांग्रेस मेंबर को कैसे आपने छोड़ा, ये बहुत पैसा बना रहा है खुद का, मंदिर को कुछ नहीं दे रहा है, ऐसे कुछ लोगों ने बोला। तब हमने एक मीटिंग किया उसका, उसके बाद बोला कि आप कांग्रेगेशन व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो, और मंदिर की ओर से कुछ भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो, मंदिर के नोटिस बोर्ड में कुछ नहीं लगा सकते हो आपके यात्रा के बारे में कुछ, लेकिन आप बाहर के लोगों को लेके जा सकते हो, नहीं तो वर्ड ऑफ माउथ, जैसे लोगों को पता चल गया कि आप यात्रा जा रहे हो तो लोग आ सकते हैं।
तो मंदिर से इसको कट कर दो, अलग कर दो इसको, हाँ मंदिर से कुछ जुड़ाव नहीं है आपका, सेपरेट यात्रा का। अगर मंदिर लीडिंग कर रहा है यात्रा में वो अलग है। जैसे हम हैदराबाद के मंदिर से हमने एक यात्रा निकाला, उसमें कुछ ये भी थे, उसमें सीनियर डिवोटीज 5 लोगों को हमने नियुक्त किया, मतलब वृंदावन यात्रा का साफ मैनेजमेंट किया वो लोगों ने, मैं भी गया था उसमें 5-6 दिन के लिए किया हमने, 1200 लोग आए थे, हाँ बहुत बढ़िया यात्रा हुआ है, लेकिन मंदिर की ओर से किया गया। हाँ उसमें आने वाले प्रॉफिट लॉस सब मंदिर को दिया जाता है उसमें, लेकिन जो बाहर का यात्रा होता है वो बाहर के लोगों के लिए होता है वो, हाँ उसके लिए मंदिर का बदनाम नहीं होने चाहिए। और वो भी कांग्रेशन मेंबर जो कर रहा है, एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति पुणे के, वो बोला कि हम लोग केदारनाथ बद्रीनाथ उधर मुक्तिनाथ सब लेके जाएंगे आपको, तो पहले से उन्होंने फ्लाइट बुकिंग किया, कोविड आ गया उस टाइम, कोविड आने के बाद फ्लाइट का टिकट का पैसा तो भेज दिया लोगों ने, लेकिन यात्रा नहीं हुआ। सब लोग चिल्लाने लगे, अरे एक साल हो गया, अभी 2 साल हो गया, यात्रा का पैसा भी गया, यात्रा भी नहीं मिला हमको। एक बड़ा लेटर आ गया मेरे पास अध्यक्ष के लिए, लोगों ने बोला कि देखिए आपके ये कांग्रेशन मेंबर है, वो उसको पैसा दिया हमने, हेलीकॉप्टर बुक किया है, लेकिन अभी यात्रा नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया, क्या चल रहा है, आप क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मैंने उनको लिखा कि देखो ये मंदिर की यात्रा नहीं है, ये खुद की यात्रा कर रहा है। लेकिन वो लोग बोले नहीं नहीं वो तिलक पाना है, वो भी डिवोटी है, दीक्षित है इस्कॉन में। तो मैंने उस वक्त को बुलाया, प्रभु जी लोग बोल रहे हैं या तो पैसा वापस कर दो नहीं तो यात्रा में लेके जाओ, हाँ वो बोल रहा है प्रभु जी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, आप चिंता मत कीजिए मेरे ऊपर छोड़ दीजिए बोल रहा है वो। तो ये प्रॉब्लम है, मंदिर से जुड़े हुए भक्त यात्रा निकालते हैं वो बदनाम भी ला सकते हैं, अच्छा नाम भी ला सकते हैं। हाँ तो आइडियली स्पीकिंग क्या करना चाहिए, अगर वो यात्रा किया, बिजनेस किया, मंदिर के भी कुछ कांग्रेशन के भक्त लोग आए, तो उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से प्रेम से उसके प्रॉफिट अगर मिला हो भगवान की सेवा के लिए कुछ देना चाहिए मंदिर को भी। हाँ हाँ लेकिन अनेक लोग बिजनेस करते हैं, कमाते हैं आजकल उसके द्वारा, लेकिन कुछ देते नहीं, इसलिए मंदिर हमारा कनेक्शन हमने कट कर दिया उसको। आप रेवतीपति प्रभु से पूछिए, वो आपको पॉलिसीज बता देंगे आपको। हाँ तो पब्लिक अनाउंसमेंट्स हम नहीं करते हैं मंदिर में किसी भी प्राइवेट यात्रा के लिए, क्योंकि प्राइवेट यात्रा में नुकसान जो होता है उसका बदनाम आएगा मंदिर को। इसलिए हम लोग आजकल बोल दिया कि जिसको निकालना हो आप खुद निकालो, मंदिर का नाम मत लो। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है, किसी अन्य को कोई प्रश्न? देखिए इस दुनिया में अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो लोग तुरंत पूछते हैं कि किसका शिष्य है, इतना अच्छा सेवा किया है इसने। अगर आप कुछ बुरा करते हो लोग तुरंत बोलेंगे अरे किसका शिष्य है, इतना बुरा काम किया है इसने, ऐसे पूछेंगे। मतलब क्या है, हमारे अच्छाई बुराई के लिए लोग तुरंत गुरु के बारे में पूछते हैं। तो अगर हम गुरु को अच्छा नाम लाना चाहते हैं तो हमारी व्यवहार ठीक होनी चाहिए, ये पॉइंट है। क्योंकि आज के 17 प्योरिटी वर्सेस हिपोक्रेसी, हाँ शुद्धता वर्सेस डोंगीपन, तो ये लीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमारे अंदर चार त्रुटियां आप लोग जानते हो, यू नो इम्परफेक्ट सेंसेस, चीटिंग प्रोपेंसिटी, इल्यूजन, है ना, कमिटिंग मिस्टेक्स, इस तरह के ये सब कमियां हैं हमारे अंदर। तो इनको भी, ये चार त्रुटियां होने के कारण जीव के अंदर ये चार त्रुटियां हैं, इसके कारण कभी कभी लीडर्स में भी ये त्रुटियां आ जाती है। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए इसके लिए, और इसलिए आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता की जरूरत है। जप माला अच्छी तरह से जप करना, गीता भागवत का अध्ययन करना, और सुबह का प्रातःकाल के कार्यक्रम पक्का अटेंड करना। हम लोग चित्त को, चित्त के मल को मिटाते जाना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए अपने आप को, ताकि हम फंस ना जाए कुछ गलती में। क्योंकि हम भगवान को और गुरु परंपरा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम लोग, लोग हमारे से बहुत बड़े चरित्र का अपेक्षा करेंगे लोग। और कुछ प्रश्न, किसी अन्य भक्त को कोई प्रश्न, कृपया हैंड रेज कीजिए या वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए।
अगर प्रश्न है तो मैं और एक छोटा विषय के बारे में बोलना चाहता हूँ. If nobody has questions, then I can. Yes, अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं, आप एक और विषय ले सकते हैं. हाँ करेक्ट. देखिए ये जो प्यूरिटी, किसी का हाथ ऊपर देखे बता, चैतन्य लीला दास, हाँ बारामती, बोलिए प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु. चैतन्य लीला प्रभु वीडियो ऑन कीजिए. हाँ हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा, हरे प्रभु, हरे कृष्णा दंडवत हमारे कॉन्ग्रीगेशन में. कोई कंस्ट्रक्शन में रहता है, कोई कैटरिंग में रहता है, कोई जिसका एक्सपर्टाइज ट्रैवल इसमें रहता है. तो अगर हम इधर डिवोशन के लिए सब लोग आते हैं तो हमारा जान पहचान एक दूसरे का ड्यूशन की वजह से हुआ है. तो हरिपुर आ रहा है प्रभु जी आवाज? हाँ आ रहा है प्रभु, आवाज आ रहा है, बोलिए प्रभु. इको कर रहा है, आवाज बंद हो गया, अभी आवाज नहीं आ रहा. अरे बोल, आप बोलिए, बोलिए, अभी ठीक आ रहा है, बोलिए. ये हम इंटरनेट कनेक्शन इज देयर ना, इट्स अ फ्रोजन आई थिंक, कम आउट, जस्ट कम आउट, बिकेम फ्रोजन. Recording in progress. तो उसका वो लाभ उठाए अपने कमर्शियल इसके लिए, तो मेरे को लगता है कि उचित नहीं रहता है कि कोई एडवर्टाइज करता है कि तो ये उचित है क्या नहीं ऐसा कुछ करने का? करेक्ट. देखिए पुणे में एक कांग्रीगेशन डिवोटी आए मुझे बोले कि तो जी मेरे पास बैठा का दुकान है, क्या मैं एक टेबल लगा सकता हूँ मंदिर में बैठा शूज का, और मैं भक्तों के लिए 10% कंसेशन दे सकता हूँ. तो मैंने बोला सोच कर बताता हूँ. उसके बाद एक साड़ी बिजनेस का एक कांग्रीगेशन आए, वो बोले प्रभु जी हम साड़ी बेच सकते हैं क्या मंदिर में, एक टैग लगा देंगे भक्तों के लिए, कुछ कुछ 10-20% छूट देंगे, ऐसे वो आए. तो मैंने सोचा कि अगर ये के को छोड़ेंगे तो धीरे 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 अनेक मंदिर में इतना बड़ा बिजनेस बढ़ जाएगा, मंदिर के कॉम्प्लेक्स, बिजनेस कॉम्प्लेक्स ना, तो सब कांग्रेशन को बेचते बेचते, और उसमें अगर उनके प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट हो मंदिर के ऊपर बदनाम आएगा, है कि नहीं? अगर उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया लेकिन डिलीवरी नहीं किया, मंदिर का बदनाम होगा ऐसे. और रियल एस्टेट वाले आकर बोलेंगे प्रभु जी हम भी मंदिर में एक टेबल लगाते हैं और हम घर बेचेंगे, घर खरीदेंगे लोगों के लिए, जमीन देंगे. तो इस तरह वो भी आकर बोले कुछ लोग. हमने सबके सब लोगों को मना कर दिया हमने, क्योंकि जिधर पैसा का हैंडलिंग होता है, लेना देना होता है ना, उसमें हमेशा झंझट है, उसमें हमेशा झंझट है. आप लोग अच्छा जानते हो बिजनेस में, हम किसी को प्रमोट नहीं करते हैं मंदिर में बिजनेस मैन को, हा? और किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोग अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह भेज नहीं सकते मंदिर के, वो नहीं कर सकते ऐसे. लेकिन मंदिर में जब आते हैं रेगुलर लोग जानते हैं कि ठीक है ये प्रभु जी का पेंट इंडस्ट्री है, ये प्रभु जी का रियल एस्टेट है, तो कभी कभी कांग्रेगेशन पहचान लेते हैं उनको, तो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी आपका रियल एस्टेट है, मुझे जमीन कर देना है, हेल्प कर सकते हैं क्या? तो हम लोगों ने एक डिस्क्लेमर डाल दिया मंदिर में, अगर आप जमीन खरीदते हो बेचते हो, घर खरीदते हो बेचते हो, अगर कुछ चिट फंड नहीं तो कुछ पैसा का लेन देना लेना देना होता है इत्यादि, मंदिर इसका जिम्मेदारी नहीं उठाएगा. आप बाद में आकर मत बोलो कि अब जी वो तिलक वाले भक्त थे, कंठी माला पहने थे, माला जपने वाले भक्त थे, हमने विश्वास किया,
हमने उनको 50 लाख दिया, अभी पैसा लौटा नहीं रहे हैं, आप हमको हेल्प करो, ऐसे बाद में आकर मत बोलो, क्योंकि कुछ लोग अभी आज भक्त हैं कल नहीं रहेंगे, कभी कभी चले जाते हैं, कुछ लोग अंदर आते हैं बाद में चले जाते हैं, इससे कुछ भरोसा नहीं। इसलिए हम लोग किसी भी तरह का पैसे इन्वॉल्व करने वाले बिजनेस प्रोफेशन उसको हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं मंदिर में, हम सतर्क उसको मना कर देते हैं। ये आध्यात्मिक जगत है, आप लोग आते हो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए, दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं है। कुछ लोग बोले मुझे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हम बना सकते हैं सब तरह के बिजनेस का, अगर बनाएंगे तो मंदिर के सब लोगों को लाभ होगा, लाभ होगा लेकिन बड़ा झंझट भी है उसमें, उसमें बोलेंगे अरे बाहर इतना सस्ता है और मंदिर के भक्तों को महंगा दे रहा है ये, उनके बीच में झगड़ा होगा, ईर्ष्या होगा और बहुत कुछ होता है सब। तो इसलिए हम डिस्क्लेमर डाला था हमने इस तरह का, उसके बावजूद भी कुछ लोग रियल एस्टेट में काम करके कांग्रेशन के साथ कुछ किया और कांग्रेशन नाराज हुए, तो ये सब प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। तो उनका बिजनेस हो तो लोग पहचान लेंगे धीरे धीरे मंदिर में, क्योंकि किस बड़े कांग्रेशन डिवोटी का क्या बिजनेस सब लोग जानते हैं, वन टू वन उनके ऊपर विश्वास हो, करना चाहते हैं बिजनेस करने दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मंदिर उनको प्रमोशन नहीं करेगा, उनको क्या बोलते हैं, उनको बढ़ावा नहीं देगा। करेक्ट है, क्लियर प्रभु जी? यस प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। और एक हाथ ऊपर किया था किसी ने, हिंजवाड़ी, हरे कृष्ण। हाँ लक्ष्मण प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आपने वो आंसर कर दिया प्रभु जी के क्वेश्चन में, एंड दैट्स व्हाई आई हैड लोअर्ड द हैंड। वन थिंग जो सबसे बढ़िया चीज थी प्रभु जी की, इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो बिजनेस नहीं करती है, मतलब दैट इज इट स्टैंड्स आउट ऑफ ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे श्री श्री के भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, देयर इज लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे सेल इन द मार्केट, सो दे आर इनटू बिजनेस, बट अपना इस्कॉन का कुछ भी नहीं है ऐसा, इट इज ओनली प्योर भक्ति दैट कम्स इन। सो मतलब दैट इज रियली कमेंडेबल, एंड दैट आंसर्स दैट क्वेश्चन आपने जो पिछला वाला दिया था प्रभु जी, इट वाज रिलेटेड टू दैट, दैट पीपल कैमोफ्लेज एंड डू बिजनेस, करेक्ट। एंड आल्सो व्हाट हैपेंस प्रभु, दिस मनी पार्टनरशिप, मनी लेंडिंग, मनी रिसीविंग, यू नो इन दिस सम स्पार्क्स ऑलवेज कम, ये प्रॉब्लम आता ही है इसमें। कभी कभी क्या होता है, ये एक व्यक्ति कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कोई करता है, इस तरह करते समय प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, अपेक्षाएं एक की एक अपेक्षा होता है, दूसरे की दूसरे होता है, भक्तों के बीच में भी झगड़ा आता है। इसलिए हमने सोचा कि मंदिर में झगड़ा नहीं चाहिए उनको, भक्त लोग सिर्फ शांति से भक्ति करें, इसलिए इसको दूर रखा हमने। जब हमारे NBCC मंदिर आ रहा था प्रभु जी, अनेक लोगों ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया, बोला कि राजेश्याम प्रभु पूरा जमीन खरीद लीजिए, मंदिर के निकट का जमीन, पैसा डाल के खरीद लीजिए, बाद में एक कॉलोनी डेवलप कीजिए, जैसे 10-15 माले का, और उसको कांग्रेशन को बेचिए, और उसमें आपको 5-10 करोड़ मिल जाएगा आपको। अगर मंदिर के लिए आपको 40 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ आपके एस्टेट से ही आ जाएगा आपको। अच्छा, अनेक लोगों ने मुझे प्रेरणा दी। मैंने बोला उनको, देखिए एस्टेट ये कॉलोनीज बनाकर बेचना बड़ी बात है, लेकिन अगर हम उसमें घुस जाएंगे, हम सेवा भी करेंगे, बदना भी मिलेगा हमको। हम सेवा के रूप में हम करेंगे, लेकिन लोग बोलेंगे अरे इतना बहुत महंगा दिया हमको, वो कॉलोनी देखो इतना सस्ता है, ये लोग इसका लोग हमारे हमको लूट रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। इसलिए मैंने बोल दिया अगर किसी कांग्रेशन को करना हो तो करने दो, हम इसका नहीं करेगा, मैंने बोल दिया। अभी सिर्फ हम NBCC मंदिर के ऊपर फोकस किया, अभी बन ही गया, बरसाना बन गया, और इस साइड में आप देखते हैं द्वारका बन गया और कृष्णा अपार्टमेंट बन गया, कोई ना कोई जमीन खरीदेगा, वो डेवलप करेगा, वो किराए में देगा, नहीं तो जो भी करेगा वो, तो हमको वो नहीं करना है, बदनाम होता है। तो यही पॉइंट है, इसका आध्यात्मिक संस्था है तो कृष्ण प्रेम के बारे में सिखाता है, दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द मेन थिंग। थैंक यू प्रभु, थैंक यू।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी कानपुर पवन प्रभु का हाथ ऊपर है। हाँ पवन प्रभु वीडियो ऑन कीजिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। पता नहीं ये क्वेश्चन रिलेटेड है कि नहीं बट मैं सोच रहा था आपसे पूछने के लिए। प्रभु जी एक स्टूडेंट है वो कनेक्टेड है हमसे करीब 8 से 10 माला करते हैं और वो एक गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करते हैं। तो वो कंपनी में कैसा है कि उनको बाध्य किया जा रहा है कि वो कुछ रिश्वत लें। अगर वो रिश्वत नहीं लेते हैं तो उनको धमकाया जा रहा है उनके सीनियर अथॉरिटी के द्वारा कि आपको हम कहीं और ट्रांसफर करा देंगे या फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे बिकॉज ऑलरेडी जो सीनियर्स हैं कुछ चीजों को पास करा रखा है जो इलीगल था उनसे, तो उसी के बेसिस पे उनको ऐसा धमकाया जा रहा है। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि प्रभु जी अभी बहुत ऐसी सिचुएशन हो गया और इसके कारण बहुत ज्यादा उनको अभी वो प्रेशर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा काम करा रहे हैं, बहुत ज्यादा जो रिश्वत की बात है, रिश्वत की बात जो आता है उसमें दो परिस्थिति हो सकते हैं। एक परिस्थिति है आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं कि मैं एक ही व्यक्ति हूँ, कोई रिश्वत दे रहा मैं मना कर सकता हूँ और ना रिश्वत ना लेकर जो सज्जन होकर मैं काम कर सकता हूँ, वो एक सिचुएशन है। अभी दूसरी परिस्थिति है अगर आपके डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं, मान लीजिए सबको 50,000 मिल रहा है, नहीं तो सबको 1-1 लाख मिल रहा है और वो 3 लोगों ने ले लिया और आपको 1 लाख दे रहे हैं और आप बोलते हैं नहीं मैं मना करता हूँ मुझे नहीं चाहिए मुझे ये सब, उनको डर होता है कि अरे हम 3 लोगों ने लिया अगर ये नहीं लेगा तो हमारा नौकरी उड़ जाएगा, प्रॉब्लम हमको हो सकता है, उनको असुरक्षता महसूस होता है। तभी वो लोग बोलते हैं देखो ये जो आ रहा है इससे तुमको नुकसान कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि उसका ग्रांट पहले ऑलरेडी हो चुका है, पैसा उसका जो भी टेंडर आया वो हो ही गया है, ये वो गिफ्ट के रूप में दे रहा है वो प्रोजेक्ट उसका पहले दे ही दिया, वो तो 1 साल पहले दिया हमने, वो प्रोजेक्ट चालू हो गया उसका धूमधाम चल रहा है उसका, वो आया है हमको 1-1 लाख देने के लिए गिफ्ट में, गिफ्ट क्यों नहीं लेते। कुछ लोग कुछ सामान गिफ्ट में देते हैं, कुछ लोग पैसा गिफ्ट में देते हैं, तो वो लोग पूछते हैं ये बोलता है नहीं नहीं हम रिश्वत नहीं लेंगे, वो लोग बोलते हैं रिश्वत के रूप में मत देखो इसको गिफ्ट के रूप में देखो, गिफ्ट दे रहे हैं क्योंकि हमने उनके लिए भलाई की वो गिफ्ट दे रहा है। ठीक है अगर वो 3 लोग ले रहे हैं अगर हम भी लेते हैं उसको अगर हाथ में ले लिया ना वो आग जैसा है वो बड़ा खतरनाक है क्योंकि वो इट इज़ नॉट हार्ड अर्न्ड मनी, ये पसीना छुटवा कर कमाया हुआ पैसा नहीं है वो, ऐसे ही आ गया वो, तो उसको लेकर सीधा खुंडी में डाल देना चाहिए मंदिर में जाकर, उसको मंदिर वाले के हाथ में भी नहीं देना चाहिए और ये भी उससे भोग भी नहीं करना चाहिए, उसको खुंडी में डाल दो, वो भगवान और उनके बीच में अगर भगवान सब कुछ चीज़ ये कर सकते हैं पाचन कर सकते हैं, तो इस तरह आ गया तो अगर उसका कंट्रोल इनके ही हाथ में है अकेला प्रॉब्लम है तो मना कर सकता है, बोल सकता है कि हम रिश्वत नहीं लेते। ठीक है ना, थैंक यू। मैंने चैटिंग में एक प्रश्न पूछा है वो मेरे को असल में प्रश्न था, चैटिंग किया है मैंने उसमें प्रश्न पूछा है, देखो क्या प्रश्न था वो स्टार्टिंग में। सत्य विश्व अवतार प्रभु ने लिखा है कि हरे कृष्णा मेरा प्रश्न है कि इस्कॉन के नाम से यात्रा नहीं इस्कॉन के भक्तों के नाम फोटो से यात्रा का जाहिरात प्रसिद्ध कर सकता है क्या। नहीं 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 इस्कॉन नाम नहीं लेना चाहिए, कोई इस्कॉन का नाम लेगा तो कान पकड़ेंगे उसका। अभी देखिए किशोर गौरंग प्रभु उनसे पूछिए उनको पॉलिसी सब मालूम है उनको, वो इस्कॉन नाम नहीं लिखेगा वो, आप नहीं देखेंगे इस्कॉन पूना का नाम नहीं लिखेगा वो, देखा आपने। हाँ, मैं वही पूछने वाला था प्रभु जी इस्कॉन का नाम भी नहीं और इस्कॉन के भक्त का फोटो या नाम लेकर कोई यात्रा निकाल सकता है का, ये प्रश्न था मेरा। नहीं नहीं ऐसा नहीं निकाल सकता है क्योंकि अगर बदनाम आएगा तो इस्कॉन को बदनाम आएगा ना। यस ये बात है, कुछ कुछ लोग एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए, इस्कॉन का मार्गदर्शन के लिए ले सकते है लेकिन जाहिरात नहीं करना चाहिए। इस्कॉन का पेटेंट राइट है, कोई इस्कॉन का नाम यूज नहीं कर सकता कोई,
इस्कॉन का नाम नहीं, लेकिन इस्कॉन के भक्त के नाम से आप उनका फोटो यूज करके आप यात्रा को आओ ऐसे ऐसे मार्गदर्शन करने वाले किस, भाई भक्त है। किस भक्त का नाम, जैसे कोई ब्रह्मचारी है क्या? हाँ ब्रह्मचारी। अच्छा, वो बोलता है कि ब्रह्मचारी आ रहे हैं इस यात्रा में कथा देने के लिए, आप आओ करके, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा बोलता है। ओह, वो खुद का बिजनेस के लिए करते हैं। नहीं, अगर उदाहरण के लिए अगर कोई यात्रा लीडर बोलता है कि हम 300 लोगों को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, उस यात्रा में कथा देने के लिए हमने बुलाया है सुंदरश्याम प्रभु को, बुलाया है गौर लीला प्रभु को, बुलाया है ऐसे मंदिर इस्कॉन मंदिर से हमने एक भक्त को लाया है, वो गलती नहीं है, नो प्रॉब्लम। सिर्फ वो वक्ता का नाम दे रहे हैं, फोटो दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उससे लोगों को थोड़ा आकर्षण होता है, चलो हम भी जाते हैं ऐसे, करेक्ट है ना? लेकिन इस्कॉन नाम नहीं यूज करना चाहिए। तो आपका प्रॉब्लम क्या है? आप बोलेंगे कि अगर भक्त का फोटो दिखाएगा वो तो लोग आएंगे, अगर यात्रा में गड़बड़ होता है तो इस्कॉन को भी नुकसान होगा। हा? तो वो क्लियरली बोलना चाहिए कि इस्कॉन का प्रोग्राम नहीं है, हमने बोला वो नोटिस में नीचे लोगों की लिखो कि ये इस्कॉन का प्रोग्राम नहीं है, वो दिस इज नॉट अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय इस्कॉन पूना। अगर ब्रह्मचारी का फोटो चाहिए तो नीचे वो लिखना चाहिए, ठीक है प्रभु? हाँ रजतदोली माता जी, रजतदोली माता जी बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे हमारा समझ लीजिए कि मैंने यात्रा निकाला और 5,000 रुपए मेरा बच गया यात्रा से, और मैंने ऑलरेडी 3,000 मंदिर में जमा किया, लेकिन 2,000 इसलिए मेरा खुद का गया क्योंकि मैंने टिकट निकाले थे वो कंफर्म नहीं हुए, बाद में मेरे को फिर निकालने पड़े, उसके लिए मेरे पुणे जाना पड़ा या तेलेगांव जाना पड़ा, बाद में इधर ट्रैवलिंग में भी गया मेरा पैसा। तो इस वजह से अगर मेरा 2,000 मेरा खुद का गया होगा यात्रा में तो मैं रख सकती हूँ ना, ये तो फ्लटिंग नहीं है ना। पहले तो मैंने 3,000 जो भी मेरा बचा था मैंने मंदिर में जमा कर दिया, लेकिन 2,000 मेरा खुद का गया, मैंने जब कैलकुलेशन किया 40-50 लोग लेके गई थी लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। माता ये यात्रा किसने लीडिंग किया? किसने लीडिंग किया यात्रा? मंदिर मंदिर वाले लीड किया क्या, कोई भक्ता हमारे दाऊद जी प्रभु? हाँ नहीं, मतलब ऐसी यात्रा मंदिर के भक्त नहीं, मेरे रिलेटिव ज्यादा थे लोग, लेकिन मैंने बोला था कि जब मेरे भक्त मेरे ही लोग हैं रिलेटिव वगैरह, लेकिन लेके जाऊंगी वृंदावन, जो भी पैसा बचेगा 5,000-5,000 रुपए निकाल लेंगे, जो भी बचता है मैं मंदिर में जमा कर दूंगी। लेकिन मंदिर में अच्छा, आपने अपने रिश्तेदारों को लेकर एक यात्रा निकाला, उसमें अगर पैसा बचता तो मंदिर देने की योजना थी आपको, लेकिन थोड़ा नुकसान हो गया, टिकट बनाते 2,000 नुकसान हो गई, इसलिए आपने सोचा कि 3,000 रख लो, वो करेक्ट है, आपने जो किया करेक्ट है वो। जी जी ठीक ठीक, वो सही है, वो सही है, नो प्रॉब्लम। अगर पूरा पैसा बच जाता तो भगवान को देने की प्लान थी आपकी, करेक्ट है ना? हाँ पूरा पूरा मैंने पहले ही बताया, अभी भी बताती हूँ कि जो भी बचता हो लेकिन मैं मंदिर में देऊंगी, लेकिन करेक्ट का भी बहुत पेट्रोलियम वगैरह बहुत जाता है ये सब। करेक्ट करेक्ट, नो प्रॉब्लम, आपकी इंटेंशन सही थी, उसमें गलत नहीं है माता, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण, हाँ थैंक यू। शंकर मारे प्रभु, आपका प्रश्न क्या है? अगर कोई भक्त है दीक्षित है पूरा, मतलब साधना कर रहा है गुरु के प्रति, उसका आदर भाव है, सब कुछ है, व्यवहार कर रहा है या कुछ पैसे के मामले में अगर किसी को फंसा रहा है, तो ये उसका होने का कारण क्या है? एक्चुअली वो साधना भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, भक्तों के संग में रह रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? और दूसरा, बीच में हमारे ग्रुप में एक आया था कि वेंकटेश कृपानी और उनकी पत्नी, इन्होंने ये सब अलग अलग मायापुर वृंदावन अलग अलग जगह पे जाके वो ये करते फंसाते लोगों को, शेयर मार्केट में पैसा
Hey, you understood the question? Advaita Kapapu, can you tell me? Yes, Prabhuji, उनका पहला प्रश्न है कि भक्त लोग जो है नियमित रूप से जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और सेवा भी देते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि पैसे के मामले में वो उनका या कोई भी मामले में उनका जो व्यवहार है वो उत्तम नहीं रहता है, ऐसा कारण क्या है? और दूसरा उनका शंकर मौर्य प्रभु आप बोलना चाहेंगे? हाँ, दूसरा वेंकटेश कहता ना कि बीच में हरे कृष्ण आवाज आ रही है, अभी कट हो रहा है आपका आवाज, थोड़ा सा कट, मैं बोलता हूँ आप सुनिए। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या था? तो प्रभु उनका दूसरा प्रश्न कि जैसे बीच में व्हाट्सएप में आया था कि दो डिवोटी का नाम आया था कि वो भक्तों से पैसे लेकर के शेयर मार्केट में डाल करके उनका पैसा डुबाते हैं और अलग अलग जगह में जा जा करके अलग अलग केंद्रों में जा करके ऐसा सेम तरीका अपना करके पैसा लेके हट जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है या क्या? उसके आगे का प्रश्न उन्होंने बोला नहीं, पर मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो पूछ रहे कि ऐसा भक्त कैसे कर सकते हैं। हाँ, कैसे कर सकते हैं या फिर वो उनको ऐसे प्रमोट कैसे हो सकता है, मतलब वो ऐसे भक्त प्रमोट कैसे हो जाते हैं, ऐसे पूरे भक्तों में अलग अलग जाके वो कैसे फंसा सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया प्रभु जी। तो पहला प्रश्न आपने जो पूछा, भक्त कोई नाम जप करता है, सोला माला करता है, किताब पढ़ता है, मंदिर में आता है, तो पैसा का क्यों गड़बड़ करता है वो? देखिए, इंद्र आप जानते हैं, इंद्र भी भगवान का भक्त है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा गलत भावनाएं भी है। वो क्या क्या गलती करता है हम पढ़ते हैं भागवत में, इस तरह से, मतलब विस्तृत भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं है। जब तक तो हम शुद्ध भक्त नहीं बनते, उस समय तक हमारे अंदर काम क्रोध लोभ का मिश्रण रहता है, तो इसके कारण भक्त लोग में त्रुटियां दिखाई देती है इस दुनिया में। तो बाकी लोग को समझ लेना चाहिए कि ये अभी तक शुद्ध भक्त नहीं है, इसके साथ हम सतर्क सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते तब तक हम गड़बड़ करने की संभावना है इस दुनिया में। तो ऐसा नहीं कि वो निर्मल है, एकदम शुद्ध है, वो कुछ गलत नहीं करेगा। पैसे की लोभ हो आ जाता है ना लोगों में इस दुनिया में, भक्त होने के बाद भी लोभ आता है। कभी कभी भक्त लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, बोलते हैं कि देखो, अगर पैसा मिल जाएगा ना जल्दी, 70-80 तक काम करने की जरूरत नहीं, 50 तक काम करो, उसके बाद आराम करो। इस तरह बोलकर लोग थोड़ा जल्दी कमाने के लिए प्रयत्न करते हैं, इसके कारण पैसा का कुछ लफड़ा करते हैं, कभी कभी गड़बड़ करते हैं पैसे का, गलत है। तो दूसरा पॉइंट आपने जो बोला, एक व्यक्ति है जो अलग अलग सेंटर में आकर लोगों को प्रवचन देकर बुला रहा है कि सब मेरे साथ जुड़ो, आपको करोड़पति बना दूंगा करके, तो जो लोग उसके साथ जुड़ते हैं वो भी लोभी लोग हैं, वो भी लोभी होते हैं। वो बोलने वाला भी लोभी और जुड़ने वाला भी लोभी, दोनों। तो इस्कान का सहारा लेकर वो कभी कभी बोल देता है, तो इस्कान का बदनाम होता है अनावश्यक। तो और लोग क्या करते हैं, लोभी होकर जुड़ते हैं, जब नुकसान होता है हाय हाय करते हुए इस्कान के लीडर के पास आते हैं, आकर बोलते हैं देखिए प्रभु जी नुकसान हो गया, ऐसा कर दिया, बदमाश है, ऐसा बोलेंगे। अगर करोड़ों रुपया बनाया इन्होंने, क्या उसको बदमाश बोलेंगे क्या? और उसमें से एक पैसा इस्कान को देंगे क्या वो? आप देंगे? कुछ नहीं बोलेंगे वो लोग। इसलिए मेरा कहना ऐसा है कि जो भी अभी पुणे में भी एक व्यक्ति ऐसे, वो बोला कि कैसे कांग्रेस भक्त लोग पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके आज के इसके लिए मेरे पास कुछ आइडिया सा करके एक व्यक्ति बोलना चाहा। तो हमने उसको बोला कि देखो, इधर बोलना नहीं चाहिए आप मंदिर में, क्योंकि मंदिर में हम सिर्फ भागवत की चर्चा करते हैं, गीता भागवत की। अगर आपको बोलना हो तो बाहर बोलो, तो जिनको आना है वो आएंगे। तो क्या किया उसने, कुछ प्रोग्राम किया उसने मंदिर के बाहर, उसमें कुछ कांग्रेस भक्त अटेंड किए, उसके आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयत्न किए लोगों ने, तो कुछ लोगों का नुकसान हुआ। तो वो लोग चिल्लाने लगे, मंदिर ने इनको एम्पावरमेंट कैसे किया? हमने बोला हमने एम्पावरमेंट नहीं किया, हमने मना कर दिया उनको और बाहर किया उन्होंने। और जिनको अटेंड करना है वो लोग खुद ही, उसने कुछ चार्जेस भी रखा था वो बाहर, जैसे आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ऐसे अनेक लोग कितने सेमिनार्स होते हैं, चार्जेस लगते हैं,
वो लोग बोलते हैं अच्छा हेल्थ तंदुरुस्त कैसे हो सकते हो, नहीं तो पैसा कैसे बढ़ा सकते हो, नहीं तो डिप्रेशन से बाहर कैसे आ सकते हो, पति पत्नी का संबंध कैसे अच्छा हो सकता है, आपके गर्भ कैसे गर्भवती कोई हो सकती है, ये सब बड़े बड़े सेमिनार आजकल होते हैं, पैसा फिक्स बाहर होता है। तो वो लोग बोले ठीक है प्रभु जी, लेकिन ये भक्त है ना, तिलक पाना है, कंठी वाला पाना, हमने विश्वास किया है उसको, हम गए थे उस सेमिनार में और उसके उसने जो बोला हमने किया, वो फट हो गया, पैसा खर्चा हो गई, बर्बाद हो गई, ऐसे बोले लोग। मैंने बोला देखो पैसे की बात मामला जब आता है तब निर्णय लेने वाला जो भी हो वो जिम्मेदारी लेना चाहिए, तो आप लोग अपने अपने पैसा जो डालते हो उसका जिम्मेदारी आप लेना चाहिए, मंदिर मंदिर में आकर मत पूछिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा हमने बोला। तो इसलिए हम बोलते हैं लोगों को, मंदिर की ओर से अगर कुछ पुकार बुलावा आता है तो इधर ये व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है मंदिर के लिए, आप सब लोग इसमें जुड़ो, ऐसे में कभी नहीं लिखूंगा मैं पुणे में। मैं पहले के दिनों से मैंने देख लिया कि पैसे से बड़े झंझट है, किसी को हम बढ़ावा नहीं देंगे। एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, वो ये बनाया, एक हाउसिंग कॉलोनी बनाया उसने, जब NVCC बन रहा था ना उस समय, NVCC से लगभग आधा किलोमीटर दूर में एक हाउसिंग कॉलोनी बनाया, तो उधर लगभग 20 घर बांध रहा था वो, तो उसने वो मॉडल लेकर आया मेरे पास, बोला कि प्रभु जी नोटिस बोर्ड में लगा दीजिए, अब लोगों को बोले कि जिसको सिर्फ हम भक्तों को घर देंगे इधर, इसमें बाकी बाहर के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ वैष्णवों के लिए एक कॉलोनी होगा, 20 घर होगा, सब लोग नीचे गार्डन होगा, बहुत अच्छा है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। तो मैं नोटिस बोर्ड में लगा दिया उसको, उन्होंने जब विनती किया, 2 दिन बाद एक व्यक्ति आया, बोला कि प्रभु जी वो इतना पैसा ले रहा है फ्लैट के लिए, और बोल रहा है कि पहले हमको इतना देना पड़ेगा और बाद में उतना देना पड़ेगा, ऐसे बोल रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को, तो आप एक मीटिंग उसको बोला हमने, राजशम को बुलाओ और आप भी रहो, हम सब लोग आपसे मीटिंग लेना चाहते हैं, आप पैसा का ऐसा कर रहे हो ऐसा कर रहे हो। मैंने बोला, तुरंत हमने निकाल दिया नोटिस बोर्ड से उसको 2 दिन के लिए लगाया बस पुंजीवारी मंदिर में, तुरंत निकाल दिया उसको, उसको निकाल कर डिस्क्लेमर डाल दिया उस समय, तभी हमने डिस्क्लेमर बनाया पहली बार 2007 में बनाया, बोला कि देखो ये घर को बेचना खरीदना आप लोग बाहर करो, मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बोल दिया आपने। तो भक्त लोग जो होते हैं वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे ये सब करेंगे वो ठीक है, लेकिन मंदिर मंदिर का नाम वो लोग नहीं लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये इतना ही है, वो लोग दीक्षित होते हैं, कंटीमाला है, तिलक है, लोग देखकर विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी विश्वास जिनको हम करते हैं विश्वास घातक भी लोग बनते हैं कभी, सब लोग बुरे नहीं, सब लोग अच्छे नहीं हैं, हमें भगवान की कृपा से सही व्यक्तियों के साथ हमें कनेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन प्रश्न अच्छा था आपकी, श्रीला प्रभुपाद की। प्रभु जी इसके बारे में एक पूछना, हरे कृष्ण प्रभु जी, इसके बारे में पूछना ये था कि एज ए सैटेलाइट सेंटर, आवाज आ रही है, सैटेलाइट सेंटर समझ गया, आगे क्या पूछा, आवाज आ रही, सैटेलाइट सेंटर अभी है अलग अलग जगह पे, जैसे मंदिर में कैसे नियम लगे रहते हैं सब कुछ मालूम रहता है, करेक्ट, तो सैटेलाइट सेंटर में भी ऐसे डिस्क्लेमर लगाने चाहिए या कुछ होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग फील्ड के लोग आते रहते हैं, मंदिर में जाते रहते हैं, अलग अलग उनका कांटेक्ट हो सकता है बाहर जाके, तो नहीं पता, डिस्क्लेमर सैटेलाइट सेंटर में भी लगाना अच्छा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि उधर भी कभी कभी 200-300-500 लोग आ जाते हैं उधर भी, करेक्ट, तो हम आप राजपरायण प्रभु को पूछेंगे आपको देंगे वो, हमारे NVCC में राजपरायण प्रभु ललित महा को लोग दे सकते हैं, पैसा जमीन विवाह ये सब प्राइवेट अफेयर है, मंदिर से जुड़ा नहीं है, ऐसे बोलेंगे ठीक है, या हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की। और हमने पूरा कर दिया लगभग
इतना बचा है अभी, सिर्फ तीन टॉपिक बचा है ना, लर्निंग टू इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी एंड कोऑपरेशन और प्रिंसिपल बिल्डिंग, सिर्फ तीन टॉपिक है। हम तीन शनिवारों में हम पूरा कर देंगे मॉडल कोर्स, ठीक है। हरे कृष्ण, शुभ प्रभात की जय।